महाभाष्य सत्तावनवी कक्षा जी। इसमें पृष्ठ नंबर 153 जी ये इसमें बताया था जी, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। जी छंदोवत सूत्र होते तो प्रदीपकार ने कहा था कि अन्य वैशेषिक सूत्र आदि, जबकि छंदोवत सूत्र जो है वो व्याकरण के लेंगे ना कि वैशेषिक सूत्र आदि के, जबकि अष्टाध्यायी में इसमें प्रथमवृत्ति में ये दो सूत्र है जी, विभाषा छंसी और न सुब्रमण्य एवं सुरितस्य तदात्तः। तो इससे भी विभाषा छंसी एक तो ये सूत्र है और एक न सुब्रमण्य एवं सुरितस्य तदात्तः, इससे ये निकलता है कि जो अन्य ग्रंथ है वो भी छंद कहने से ले लिए जाते हैं। तो ये वैशेषिक आदि भी, वैशेषिक आदि में भी ये सूत्र लगना चाहिए जी, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। प्रदीप का अपना विचार है, आप ऐसा व्याख्या कर सकते हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि अपनी ऊहा सबको स्वातंत्र है, आप इसकी ये व्याख्या कर सकते हैं। पक्षांतर मानी मेरे विचार से ये व्यापक है, छंदोवत सूत्राणि कोई भी सूत्र है, आप ऐसे कहा करें। प्रदीप ने अपना विचार रखा है कि मेरे विचार से न वैशेषिक आदि सूत्राणि, अभी तो अंगत्वाद व्याकरण सूत्राणि, ये जो है व्याकरण के अंग हैं, मुखम व्याकरणम इसको अंग बतलाया है और सब अंगों में व्याकरण प्रधान होता है, तो पद पदार्थ बोधन के द्वारा वेदोपकारक है ये व्याकरण, तो इसलिए जो है छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, मानी व्याकरण के सूत्र भी छंदोवत होते हैं, वेद के तरह ही होते हैं, वेद का अंग है, वेद का उपकारक है साक्षात, और वे उपांग हैं, तो उपांग साक्षात उपकारक नहीं है, इसलिए हम छंद जैसे प्रथमा के नजदीक जो द्वितीय विभक्ति है उसको प्रथमा कह देते हैं सादृश्य से, तो ऐसे ही छंद के नजदीक जो व्याकरण है उसको भी हम छंद कह देंगे। वेद का अंग साक्षात नजदीक जो है व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष आदि है, क्या है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष वेद का अंग, और इनमें भी व्याकरण प्रधान है, तो सबसे नजदीक छंद के व्याकरण हुआ, तो छंद से जैसे हम ग्रहण करते हैं वेद, वैसे ही उसके नजदीक निकटतम जो व्याकरण है उसको भी हम सादृश्य से छंद कह देंगे। ऐसे प्रदीप ने व्याख्या की, आपको यदि वो समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि मेरे विचार से ऐसा, जैसे मीमांसा जी कह हमारा विचार है, तो आप भी अपने अपना एक विचार रखने में यदि सक्षम समझते हैं, यदि आप उसके लिए कैपेबल अपने आप को देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं। गुरु जी छंद में कौन कौन से लेते हैं वेद के? छंद तो मूल संगीता ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद आरण्यक चार लेते हैं, आरण्य ग्रंथ होते हैं ना, ऐतरे आरण्यक ऐसे ऐसे आरण्यक आरण्यक ग्रंथ होते हैं ना, आरण्यक का ही एक उपनिषद भाग है ये जो ऐतरे उपनिषद है, तो आरण्यक ग्रंथ होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, पर एक पुस्तक अपने पास वहां पर रखी है संत कुटीर में, उसमें सारा वैदिक साहित्य जो है संकलित किया हुआ है, जितना भी वैदिक साहित्य है चारों संहिताएं सारे ब्राह्मण ग्रंथ उनकी शाखा उपशाखा एक ही जिल्द में सबका संकलन किया हुआ है, मैत्रायणी संहिता काठक संहिता जो भी उपलब्ध होते हैं अब तक है? पूरा हाँ एक पुस्तक में मिलता है वो, लगभग 15,000 रुपये पुस्तक का मूल्य है आजकल,
गुरुजी जी, इसमें जो कुत्त भाव का प्रयोजन दिखा रहे, तो आचार्य का कुत्त का कुत्त भाव जी, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये छंदोव सूत्राणी ये प्रयोजन ना दे करके आचार्य का आचार्य ऐसा ज्ञापित करते, ऐसे भी बोल सकते हैं ज्ञापित, मतलब आचार्य के आचार से ही यहाँ कुत्त नहीं होगा। क्या आचार्य? आचार्य के, क्योंकि यदि चौकू करते तो गुरुजी इन्होंने दिया है, जैसे मीमांसक जी ने मीमांसक जी ने भी दिया है इसमें, तो ठीक है दिया है तो उसको भी स्वीकार कर लो। और एक गुरुजी ये आगे बताया था इन्होंने पृष्ठ नंबर 154 पर जी, यदि तद्भावित ग्रहण करते हैं तो फिर इन्होंने इसमें दोष दिखाए थे कि सालीय मालीय और आम्रमयम सालमयम आम्र गुप्तायनी इनमें गुप्तायनी इनमें वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, और वृद्धि संज्ञा नहीं होगी तो वृद्ध संज्ञा भी नहीं होगी, वृद्ध संज्ञा नहीं होगी तो फिर ये छह मैट और ई नहीं होंगे। इसमें एक वार्तिक दिया है जी, वृद्धिश्चमादिस्तद वृद्धम बा नाम ध्येयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्यम, नाम तो ये है ही, तो इससे वृद्ध संज्ञा हो सकती है इनमें। वो दूसरे तरीके तो बहुत सारे हैं, वो वार्तिककार की बात है, ये हम सूत्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। वा नाम ध्येयस्य वार्तिककार की बात है, और ये सूत्र के अनुसार विचार चल रहा है कि वृद्धि शब्द यदि तद्भावित लेंगे तो इसमें कोई गलत विचार नहीं रखा इन्होंने, ठीक ही रखा कि आम्रगुप्तायनी में वृद्धि शब्द के द्वारा आ नहीं लाया गया, आम्र शब्द में जो आ है, आम्र मयम शाल मयम में जो आ लाया गया है वो वृद्धि कहकर नहीं लाया गया। तो तद्भावित ग्रहण करेंगे तो शालीय मालिया में वृद्ध लक्षण छह नहीं पाएगा, क्योंकि वृद्धि के द्वारा आकार नहीं लाया गया। तद्भावित तो वो होगा वृद्धि शब्द का उच्चारण करके जहां लाया जाए आकार आदि, ठीक है। तो अतद्भावित ग्रहण कर लें फिर। हाँ, 152 पृष्ठ पर कुत्तम कस्मान न भवति, इस पर प्रदीप ने अनेक शक्ते शब्द से ये समझ में नहीं आया जी। ये यूं कहना चाह रहे हैं प्रदीप, या बहुव्रीहि समास कर लो, अनेक शक्ति वाले शब्द का, शब्द जो होता है अनेक शक्ति वाला होता है, उस शब्द की शक्ति क्या होती है? अर्थ को प्रकट करने की शक्ति, अर्थ बताने की शक्ति, शब्द जो होता है अनेक अर्थों को प्रकाशन करने की शक्ति होती है, उसमें एक शब्द अनेक अर्थों को बताने का सामर्थ्य रखता है। तो अनेक शक्ति अनेक हैं, इसमें दो तरह का समास किया है अनेक शक्ति में, नीचे नागेश ने दिखाया है, अनेक शक्ति में दो तरह का समास हो सकता है, मानी अनेकस्मिन शक्तिर्यस्य और अनेका शक्तिर्यस्य। अनेकस्मिन शक्तिर्यस्य कहेंगे तो अनेक पदार्थों में शक्ति है जिसकी, या अनेका शक्तिर्यस्य, ये नीचे दिया है उद्योत में दिया है, ये सातवीं पंक्ति में दिया है, अनेकस्मिन अनेका व शक्तिरसिति विग्रह। ये शब्द कैसे बनेगा अनेका शक्ति रस्य, ये अनेक शब्द कैसे आएगा? बोले सर्वनामनो वृत्ति मात्रे से पूर्ण भाव हो जाएगा, न कोप धाया निषेध नहीं हो जाएगा, बोले कोप प्रतिषेधे तद्धितु ग्रहणम ग्रहणाद व स्त्री इति पूर्णत्वम, वहां पर उसको संकोच किया हुआ है न कोप धाया सूत्र को, उसकी व्याप्ति को, उसके व्यापकता को थोड़ा सीमित किया है। क्या सीमित किया? कोब्ध प्रतिषेधे तद्धितु ग्रहणम, कोब्ध प्रतिषेध में तद्धितु लेना चाहिए बाकी नहीं, तो फिर स्त्रिया पूंद भाषित से पूंद भाव हो जाएगा। कोपधाया को यदि हम खुला छोड़ दें कि ककार उपधा है जिसकी, तो अनेका शब्द में भी ककार उपधा है, ये ककार उपधा है ना, तो इसमें देखो मैं उदाहरण देता हूं,
छठे अध्याय का तीसरा पाद है, स्त्रिया पूंद भाषित सूत्र है ना, पूंद भाव करता है, तस्लादी स्वकृत्व शुचा पूंद भाव करता है, क्यंग मानिनो उससे पूंद भाव करता है, फिर न कोपधाया निषेध शुरू हो जाता है, संज्ञा पूर्ण्य उससे निषेध करता है, वृद्धि निमित्तस्य तद्धितस्य रक्त विकारे निषेध करता है, स्वांगा चेतो मानिनी निषेध करता है, जातेश्च निषेध करता है, ये न कोपधाया से लेकर जातेश्च तक निषेध सूत्र हैं। उसके बाद पुंत कर्मधारे जातीय देशेषु पुनः प्रतिप्रसव है, कुछ विषय में पुनः पुंत भाव करवाना चाहते हैं तो पुंत कर्मधारे जातीय देशेषु बना दिया, मानी पांचों सूत्रों, एक दो तीन चार पांच, पांचों सूत्रों के विषय में पुंत कर्मधारे जातीय देशेषु बना दिया। नकोपधाया के विषय में पुंत कर्मधारे है पाचक वृंदारी का, संज्ञा पूर्ण्य उच्च के विषय में पुंत कर्मधारे है दत्त वृंदारी का, पंचम वृंदारी का, वृद्धि निमित्तस्य के विषय में पुंत कर्मधारे है श्रोग्न जातिया श्रोग्न वृंदारी का, स्वांगा चेतो मानिना, ये सब मैं ये कह रहा था कि न कोपधाया सूत्र ये जो लिखा है उद्योत में, जैसे मद्रिका भार्य कोपध प्रतिषेधे तद्धित्व ग्रहणम सामान्य नहीं किया, उसको तद्धित वो ग्रहण करना चाहिए, जैसे पाक भार्य भेक भार्य, यहां भेक भार्य में भेकी भार्य, जैसे भेक शब्द जो है तद्धित वो नहीं है ना, कोपद प्रतिषेधे कोपधाया स्त्री अपूर्ण भाव न भवती, कोपद प्रतिषेध तद्धित ग्रहण करने, ये तद्धित ग्रहण और वो ग्रहण ऐसा है, तद्धित ककार होना चाहिए या वो का ककार होना चाहिए, ऐसा है ना, तद्धित का वो ऐसा तो नहीं है ना, पाची का भार्य कैसे बनेगा, नहीं तो तद्धित वो तो नहीं है, ये तद्धित और वो का ग्रहण करना चाहिए, कोपद प्रतिषेधे तद्धित वो ग्रहणम कर्तव्यम, भययुक्त तो भेका भेका भार्य, अच्छा भेक ही नहीं भेका होता है, भेका भार्य ऐसे भययुक्त को भेक कहते हैं, और पाक भार्य से पाक शब्द जो है अपरिपक्व अर्थ में आता है, हाँ कुछ विपरीत सा अर्थ लगता है, पाक तो पका हुआ होना चाहिए, पर पाक जो है अपरिपक्व, ऋग्वेद के अश्वामी सूक्त में पाक शब्द का प्रयोग किया है, अपरिपक्व मन वाला पूछता है, पाकीन मनसा ऐसा शब्द आया है, मन शब्द के साथ विशेषण के रूप में पाक शब्द का प्रयोग किया, और वहां पाकीन मनसा का अर्थ होता है कि अपरिपक्व मन वाला पूछता है, प्रश्न कर रहा है, और ये भी पाक शब्द पाक भारिया यसे प्रथम वय वाली भारिया है, जिसकी प्रथम वय द्वितीय वय तो तृतीय वय, तो ऐसे वय को अवस्था शरीर की अवस्था को जैसे हम वो करके देखते हैं ना, तो उसमें प्रथम वय को पाक शब्द से कहा है, पाका भार्या यस्य पाक भार्या, अजादत स्टाप हो गया, तो कोब्द प्रतिषेधे तद्धितस्य या ककारो वोश्च या ककार तस्य ग्रहण में, ऐसा अर्थ है, समार द्वंद है, या फिर ऐसे समझो तद्धित और वु द्वंद, तद्धित और वु का ग्रहण करना चाहिए, पक्तव्य को पाक कहेंगे तब वो अपरिपक्व अर्थ हो जाएगा, पक्तव्य जो है ना पाक शब्द का अर्थ, जब पक्तव्य कहेंगे तो पाक का अर्थ अपरिपक्व अर्थ हो जाएगा, पका हुआ नहीं, अभी जो पकाने योग्य है, पक्तव्य कर्म में प्रत्यय करेंगे तो पाक शब्द का अर्थ अपरिपक्व अर्थ हो जाएगा, जो पकाने योग्य है अभी पका हुआ नहीं है,
नागेश ने ये लिखा कोब्ध प्रदेश तद्धित वो ग्रहणम, तद्धित एक चीज है वो दूसरी चीज है। वो क्या है जी? तद्धित का जो कह और वो का जो कह, जैसे पाची का भारी है ऐसे, ठीक है। तो अनेक शक्ति का अर्थ किया अनेकस्मिन शक्तिरस्य, अनेका व शक्तिरस्य, अनेका को पुवंत भाव हो गया। आश्रय भेदादेव शक्ति भेदा इति मते आद्यम, पहला जो है अनेकस्मिन शक्तिरस्य, जो विग्रह करेंगे बहुव्रीहि समास करेंगे ना, अनेक में शक्ति है जिसकी, तो अनेक में शक्ति है जिसकी, इसका आश्रय भेद से शक्ति भेद हो गया। जो शब्द का आश्रय जो बन रहा है वो भिन्न होने से शक्ति भेद हो गया। शक्ति तीन होती है ना, एक अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। तो अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, ये शक्तियां हैं, शब्द शक्तियां। तो अनेक में शक्ति है जिसकी, ऐसा शब्द होता है। उस शब्द का आश्रय अनेक होंगे तो उसका शक्ति अलग अलग हो जाएगी। निरूपक भेदाद्वा भेदे द्वितीय, निरूपक के भेद होने से द्वितीय माने अनेका शक्तिर्यस्य, शब्द जो होता है निरूपक भेद से, विशेषक भेद से, निरूपक माने जिसको ये विशेषित कर रहा है, निरूपक भेद से इसकी अनेक शक्तियां हो जाती हैं। दो समास करके दिखाए तो कह रहे हैं आश्रय भेद से पहला अर्थ घटेगा और निरूपक भेद से दूसरा अर्थ घटेगा। निरूपक शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग किया है नागेश, करता है कई जगह नागेश भट्ट ने भावे सूत्र के ऊपर इस शब्द का काफी विस्तार से प्रयोग किया है, भावे सूत्र में निरूपक भेद। निरूपक भेद माने निरूपण करने वाला, निरूपक है? एक प्रकार से विशेषण ही जाएगा। निरूपक भेद से अनेका शक्तिर्यस्य, अनेक शक्तियां हैं कि ये शब्द जो है इस अर्थ का निरूपण कर रहा है। निरूपण करने वाले के भेद होने से ये दूसरा अर्थ हो जाएगा। नित्य शब्द संबंधे पुरुष व्यापारात प्राग अवाचकस्य न पुरुष व्यापारेण वाचकता शक्या करतो मत है सर्वे सवात वाचका इति अभ्युगमाद अनेक शक्तित्व अवसाय। अनेक शक्तित्व का अवसाय, अवसाय कहते हैं निश्चय। गुरु जी अनेक रूपा शक्ति, ऐसे तो ये निरूपक को नहीं कह रहे? अनेका शक्तिर यस्य, जब हम अनेक ऐसा रूपा जो शक्ति है उसी को, अनेक रूपा शक्ति है जिसमें निरूपक को क्या ले रहे हैं, रूप को ले रहे हैं क्या कह रहे हैं? अनेक रूप ऐसे जो कहते हैं उसी को ये निरूपक शब्द से कह रहे हैं क्या? ऐसे कह रहा हूं निरूपक भेद, निरूपक शब्द का उन्होंने भी प्रयोग किया है। ये जो सुद्युम्न जी ने भी उस सूत्र भावे सूत्र के ऊपर शायद निरूपक शब्द का प्रयोग किया है। निरूपक भेद से ये दिया है, एक कोई व्यक्ति है और वो आचार्य भी है, किसी का वो आचार्य किसी का वो मामा है, एक ही व्यक्ति है। उसके पास दो विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक शिष्य के रूप में है, एक उसके भागिनेय के रूप में, भांजे के रूप में, बहन के लड़के के रूप में है, भागिनेय के रूप में है। तो एक बार शिष्य ने अपने साथी को कहा कि आचार्य को अभिवादन करो, तो अपने मातुल को जाकर के अभिवादन करता है। इस दूसरे समय भागिनेय ने अपने साथी को कहा कि मातुल को जाकर के अभिवादन करो, तो वो आचार्य को जाकर के अभिवादन करता है। ऐसे एक प्रसंग चलाया,
उपाध्याय से शिष्य, उपाध्याय का शिष्य जो है भागिनेयम गत्वा आह, अपने साथी भागिनेय के पास जाकर बोला उपाध्यायम भवान, शिष्य तो उपाध्याय ही बोलेगा ना, उपाध्यायम भवान अभिवादयताम स गत्वा मातुलम अभिवादयते। वो जाकर के अपने मामा जी को प्रणाम करता है। और किसी दूसरे समय मातुलस्य भागिनेया उपाध्याय से शिष्यम गत्वा आह, मातुलम भवान अभिवादयताम स गत्वा उपाध्यायम अभिवादयते। उसके लिए तो उपाध्याय निरूपक भेद से एक ही चीज मातुल हो गई और वो आचार्य हो गई, निरूपक भेद से ऐसे दिखा है। यथा एकस्य आचार्यत्व मातुलत्वम संबंधी भेदात, अच्छा संबंधी भेद से, तथा एकस्मिन् एव पाकादिषु, एक में ही जैसे मातुलत्व और आचार्यत्व रहता है, ऐसे ही जैसे पाका शब्द है ना, तो साध्यत्व विशिष्ट तत्त्व क्रियात्व रूप विशेष रूपता और भाव शब्द वाच्यम सामान्यम च। पाक के अंदर साध्यत्व विशिष्ट वह क्रियात्व रूप विशेष रूपता भी है और सामान्य रूपता भी है। माने यहां पर यह प्रश्न उठाया भाव में सर्वलिंग निर्देश करना चाहिए, भावे सर्वलिंग निर्देशो कर्तव्य, भूतव कहना चाहिए, भवने कहना चाहिए, भावे कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए, सर्वलिंगे भावे ते प्रत्याधाशु, सब लिंगों वाले भाव में प्रत्यय हो जाए, सर्वलिंगे, लिंग तो उपलक्षण मात्र है, सर्वसंख्ये ये भी समझ लो, सर्वलिंगे सर्वसंख्ये भावे प्रत्योथा स्यात्। ऐसे एक प्रश्न उठाया, क्या कारण है नहीं सिद्ध होता सर्वलिंगे सर्वसंख्ये, पुल्लिंग से निर्देश करोगे, एक वचनांत से निर्देश करोगे तो पुल्लिंग में ही, पुल्लिंगे भावे पुल्लिंग भाव में ही और एक वचन में ही प्रत्यय हो पाएंगे, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग द्विवचन बहुवचन में नहीं हो पाएंगे। तब एक तो उत्तर ये दिया नात्र निर्देशस्तंत्रम, एक उत्तर तो ये दिया कि यहाँ जो निर्देश है वो प्रधान नहीं है, भावे जो निर्देश है ये प्रधान नहीं है, उसी से निर्देश कर रहे हो और उसी को आप प्रधान बना रहे हो, तत्कारी से भवन तद्देशी, आप तो उसी काम को कर रहे हो और उसी से अप्रीति कर रहे हो। बोले नान्तरिकत्वात् अविना भावित्वात् पुल्लिंगेन एकवचनेन च निर्देशा क्रियते, पर यहाँ पर जो है उसका आग्रह नहीं है पुल्लिंग एकवचन का। एक तो ये उत्तर दे दिया और दूसरा एक उत्तर देते हैं, अथवा क्री भूअस्त, ये बड़ा दार्शनिक उत्तर दिया इन्होंने, ये तो एक उत्तर सबको हमको समझ में आ जाता, पर ये जो दूसरा उत्तर दिया है बड़ा दार्शनिक उत्तर दे दिया कि क्री भूअस्त जो हैं वो सामान्य होती हैं, भावे सूत्र से जब हम घय लाएंगे तो क्री भू अस ये सामान्य धातु हैं और सामान्य हमेशा विशेष के अंदर रहता है। सामान्य जो होता है वो विशेष के अंदर, क्रिया सामान्य वाची है क्री भूअस और क्रिया विशेष वाची है पचति गच्छति पठति यजति आदि आदि, क्री भूअस को छोड़कर सारी धातुएं सब क्रिया विशेष वाची हैं। यच्चात्र पचतेर भवति, दो जो यहाँ पर पच धातु की भू धातु है, न तद भवते पचतेर भवति, वो भू धातु की पच धातु नहीं होती है संबंधी, यच्च भवते पचतेर भवति, जो पच धातु की भवती है वो भू धातु की पचती नहीं, और जो भू धातु की पचती है, पचती माने पच धातु, इस्तिप निर्देश कर रहे हैं, जो भू धातु की पच धातु है वो पच धातु की भू धातु नहीं होती। दोनों तरफ से इन्होंने कहा जो पच धातु संबंधी भू धातु है वो भू धातु संबंधी पच धातु नहीं होती है, और जो भू धातु संबंधी पच धातु है वो पच धातु संबंधी भू धातु नहीं होती। फिर पूछा पच धातु संबंधी भू धातु क्या लगती है, क्या होती है,
पच धातु की भू धातु जैसे बोलते हैं ना, आप इनके क्या लगते हैं, तो पच धातु की भू धातु क्या लगती है, पच धातु संबंधी भू धातु क्या है, तो बोले सामान्य है। पच धातु संबंधी भू धातु सामान्य है, और भू धातु संबंधी पच धातु क्या है, बोले विशेष है। जैसे फिर ये दृष्टांत दिया, इस बात को समझाने में ये दृष्टांत दिया, जैसे उपाध्याय का शिष्य वाला जो मैंने दिया, एवं इहापि पच धातु की जो भू धातु पचते, एवं इहापि पचतेर भवतो यत तन्निर्दिश्यते। यहाँ पर पच धातु की जो भू धातु है, क्रिया विशेष से क्रिया सामान्य को कहने के लिए, जैसे एक ही व्यक्ति में आचार्यत्व और उपाध्याय, आचार्यत्व और मातुलत्व, ये एक ही व्यक्ति में दोनों रहते हैं, यहाँ पर विशेष क्या है इस दृष्टांत में, मातुलत्व और आचार्यत्व विशेष है, और सामान्य क्या है, मातुलत्व तो वो एक के लिए ही है, हाँ, आचार्यत्व दोनों के लिए है, हाँ, आचार्यत्व तो दोनों के लिए है, पर इन्होंने दृष्टांत में ऐसे दिखा दिया कि जैसे उपाध्याय का शिष्य मातुल के भागिने को जाकर कहता है उपाध्याय को अभिवादन करो, तो मामा जी को अभिवादन करता है, मातुल का भागिने उपाध्याय से शिष्यम गत्वा मातुलम भवान अभिवादयता स गत्वा उपाध्यायम अभिवादयते, एवं यापि पचतेर भवतो यत्तन निर्दिश्यते। यहाँ पर भी पच धातु की जो भू धातु है, पच धातु तो विशेष है और भू धातु सामान्य है, तो वो निर्दिष्ट हो रहा है। ये इन्होंने ये व्याख्या की, तद्यथा यथा एकस्मिन् वस्तुनि मातुलम उपाध्यायत्वं च भिन्न संबंधी आश्रयम् परस्परम अबाधेन व्यवस्थितम् तथा पाकादिषु विशेष रूपता और भाव शब्द वाच्यम सामान्य रूपता अबाधेन वर्तते। एक वस्तु में मातुलत्व और आचार्यत्व अबाधा से रहते हैं, इसी प्रकार पाकादि में विशेष रूपता और सामान्य रूपता भाव शब्द वाच्य सामान्य ये अबाधा से रहते हैं। आचार्यो मातुलश्च, भर्तृहरि कहता है, आचार्यो मातुलश्च यथा एको व्यपदिश्यते संबंधी भेदात अर्थात्मा अर्थ स्वरूपम एको अर्थ इति यावत्। संबंधी भेद से एक ही अर्थ, एक ही अर्थात्मा, एक ही अर्थ स विधि पक्ति भावयो, वही विधि पक्ति और भाव में जाननी चाहिए। मानी भू धातु में जो वाच्यत्वेन अवस्थितम यत सामान्यम, वो पचादि धातु वाच्य विशेष संवेतम, वो पचादि धातु वाच्य विशेष में संवेत रहता है, सामान्य विशेष में रहता है ना, तो भू धातु का जो सामान्य है वो पचादि के विशेष में रहता है, और वही प्रत्यार्थ रूप से निर्दिष्ट है भावे के द्वारा, जो सामान्य है अर्थात क्रिया विशेष से क्रिया सामान्य को कहने के लिए घयादि होते हैं। फिर ये एक प्रश्न उठाते हैं कि भूति भवती भवनम आदि में कैसे, भाव आदि में कैसे, वहाँ तो दोनों ही सामान्य है, तो कहते हैं नहीं, वहाँ पर भूति भवनम भाव जब बोलते हैं तो वहाँ पर जो जिस धातु से ला रहे हैं वो क्रिया विशेष बना लेते हैं, और जो प्रत्यय ला रहे हैं वो क्रिया सामान्य को ही कह रहा है। भूति भवनम भाव इसमें कैसे प्रत्यय होगा, पाक पक्ति पचनम तो ठीक है, लेकिन भूति भवनम तो कहते हैं यहाँ पर भी कर्ता आदि के भेद से भाव विशेष बन जाता है, और जो प्रत्यय आएगा वो भाव सामान्य को कहने के लिए आएगा। कर्ता आदि के भेद से भूति भवनम भाव इत्यादि में पाकादि की तरह ही कर्तादि के भेद से भाव विशेष हो जाएगा और ये भाव सामान्य रहेगा। तो हमारा ये बात चल रही थी निरूपक भेद पर, ये मैं सारी बातें बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर प्रयोग किया है नागेश ने
यथा एकस्य आचार्यत्वं मातुलत्वं संबंधि वेदात् तथा एकस्मिन्नेव पाकादिषु साध्यत्व विशिष्ट तत्तत् क्रियारूपत्व रूप विशेष रूपता साध्यत्व विशिष्ट जो क्रियारूपता है और भाव शब्द वाच्यम सामान्यम च तच्च तत्र यथा निरूपक भेदात् भिन्नम् आचार्यत्वं मातुलत्वं च निरूपक भेदात् शिष्य भागिनेय रूप संबंधी भेदात् ऐसे अर्थ किया है। निरूपक भेदात् शिष्य और भागिनेय रूप जो संबंधी भेद है निरूपक भेद से निरूपण करने वाले के भेद से शिष्य और भागिनेय रूप संबंधी भेद से आचार्यत्व और मातुलत्व ये निरूपक भेद से जैसे अलग अलग हो जाते हैं शिष्य और भागिनेय रूप संबंधी के भेद से एक ही पदार्थ को हम आचार्य कह रहे हैं उसी पदार्थ को हम मातुल कह रहे हैं निरूपक भेद से। निरूपक कौन है? शिष्य और भागिनेय जो शिष्य और भागिनेय रूप जो संबंधी है ना उनके भेद से इसको निरूपक भेदात् तत्से तत्र यथा निरूपक भेदात् भिन्नम एवं प्रकृतेपि वाचक भेदात् कारक निरूपितम साध्यत्वम और क्रियांतर निरूपितम च सिद्धत्वम। निरूपक भेद से यहाँ भी साध्यत्व और सिद्धत्व बन जाता है माने साध्य क्रिया जो होगी वो तो होगी क्रिया विशेष और जो सिद्ध क्रिया को कहने के लिए प्रत्यय आ रहा है घ आदि वो भाव शब्द से कही जा रही है। भाव में घ होता है भाव में घ होता है तो भाव जो है वो भाव सिद्धत्व रूप अर्थ को बता रहा है भाव शब्द और किसके सिद्धत्व को बता रहा है साध्य रूप क्रिया के सिद्धत्व को बता रहा है। तो एक के अंदर ही साध्यत्व और सिद्धत्व ये दोनों कैसे रहते हैं एक के अंदर ही एक ही शब्द है जैसे पाक तो इसमें साध्यत्व और सिद्धत्व दोनों कैसे रहते हैं तो ये दिखाया कि आचार्यो मातुलश्च यथा एको व्यपदिश्यते आचार्य और मातुल जैसे एक के अंदर रहते हैं निरूपक भेद से वैसे ही पाका में वाचक भेद से कारक निरूपित साध्यत्व और क्रियांतर निरूपित सिद्धत्व रहता है। वाचक भेद से माने कारक निरूपित साध्यत्व होता है जैसे हम कहते हैं ओदन कर्मक पाक ओदन कर्मक पचन क्रिया ऐसे बताते हैं ना तो ओदन इस कर्म के आधार पर इस कारक के आधार पर तो साध्यता देखते हैं इसके अंदर और क्रियांतर वर्तते इत्यादि के आधार पर उसमें सिद्धत्व देखते हैं। मैं एक शब्द लिखता हूं ओदनस्य पाक वर्तते अस्ति प्रचलति कुछ भी कह सकते हैं प्रचलति कर सकते हैं ओदन से पाक प्रचलति पाकशालायां किम प्रचलति ओदन से पाक प्रचलति ऐसे किसी ने बोला। वाचक भेद से इस पाक के अंदर साध्यत्व और सिद्धत्व है इसकी दृष्टि से सिद्धत्व है इसकी दृष्टि से इसमें साध्यत्व है ओदनस्य की दृष्टि से इसमें साध्यत्व है प्रचलति की दृष्टि से सिद्धत्व है। जो पाच क्रिया है ये साध्यर्थ को कह रही है और घय प्रत्यय है ये सिद्धर्थ को कह रहा है। निरूपक इसमें जो क्रियात्व है वो कारक निरूपित है इसके अंदर जो सिद्धत्व है वो अन्य क्रियांतर निरूपित है। तो निरूपक भेद से जैसे वहां पर शिष्य और भागिने रूप संबंधी के भेद से जैसे मातुलत्व तो एक ही व्यक्ति में मातुलत्व और उपाध्याय तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तच्च तत्र यथा निरूपक भेदात् भिन्नम एवं प्रकृतेपि वाचक भेदात् कारक निरूपितम साध्यत्वम क्रियांतर निरूपितम च सिद्धत्वम इति भावः।
सिद्धत्व साधत्व दोनों को जो एक एक में देख रहे हो उसे निरूपक भेद कह रहे हैं या फिर? निरूपक भेद तो ये है, ये इसके आधार पर साध्यत्व और इसके आधार पर सिद्धत्व, इसके अंदर साध्यत्व सिद्धत्व दोनों है, पाक के अंदर साध्यत्व और सिद्धत्व दोनों इकट्ठे हो रहे हैं जी। इसके क्रियांतर निरूपित तो सिद्धत्व है, कारक निरूपित साध्यत्व है। साध्यता जो है कारक के आधार पर देख रहे हैं, साध्यता का अर्थ है क्षण क्षण में किसी क्रिया का गतिमान होना, क्षण क्षण में क्रिया का गतिमान होना। तो कारक निरूपित इसके अंदर साध्यत्व है और क्रियांतर निरूपित इसमें सिद्धत्व है। वाचक भेद से वाचक भेदात कारक निरूपितम साध्यत्वम क्रियांतर निरूपितम च सिद्धत्वम। वाचक भेद फिर क्या हो रहा है? माने कथन करने वाले के भेद से, जैसे वाचक भेद से ये जो पांच है ये साध्यर्थ को कह रहा है, घ सिद्धर्थ को कह रहा है। वाचक भेद से कारक निरूपित साध्यत्व है और क्रियांतर निरूपित घ के द्वारा सिद्धत्व कहा जा रहा है। वाचक कहने वाले दो अलग अलग हैं, माने धातुएं अनेकार्थक होती हैं। घयंत भू धातु का अर्थ सिद्धत्व होता है, घयंत भू जो धातु होती है माने भाव शब्द जो घयंत भू धातु बनी इसका अर्थ सिद्धत्व होता है। धातुएं अनेकार्थक होती हैं, भाव शब्द का सिद्धत्व अर्थ भी होता है। गुरु जी हाँ जी, ये प्रचलती तो अभी मतलब चल रही है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं है, तो है? अभी प्रचलती मतलब अभी कार्य चल रहा है, सिद्ध तो हुआ नहीं। इसके अंदर सिद्धत्व जो है, सिद्धत्व इसके अंदर देख रहे हैं, प्रचलत इस उस क्रिया का सिद्ध रूप, उसका जो क्रिया का सिद्ध रूप वो होता है जिसमें द्रव्य जैसी अवस्था आ जाती है और द्रव्य ही किसी अन्य क्रिया का कारक बन सकता है। स्वयं जो है कर्ता कारक का रोल अदा कर रहा है, यहाँ पर पाक प्रचलती क्रिया का कर्ता बन रहा है और साध्य क्रियाएं किसी दूसरी क्रिया का कर्ता नहीं बन सकती हैं। साध्य क्रियाएं किसी अन्य क्रिया का कर्ता नहीं बनती, सिद्ध क्रियाएं किसी अन्य क्रिया का कर्ता बन सकती हैं। तो यहाँ पाक जो है वो प्रचलती का कर्ता जो बन रहा है, यही इसकी सिद्धता है। कृत अभी तो भाव द्रव्य वद भवति, कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया जो भाव है वो द्रव्य जैसा अभिनय करता है, द्रव्य जैसा पार्ट अदा करता है। ओदनस्य के सापेक्ष कैसे मतलब? ओदनस्य के सापेक्ष इसमें साध्यता है, नहीं तो ये कर्म कारक नहीं बनेगा, किसी क्रिया का ही कर्म करण संप्रदान आदि बनते हैं, क्रिया के ही कर्ता आदि बनते हैं और दूसरी तरफ देखें तो क्रिया के ही कारक बनते हैं। माने कर्ता जो कर्तृत्व शक्ति जो आती है वो द्रव्य में आती है, कर्तृत्व कर्मत्व करणत्व ये जो है इन शक्तियों का आश्रय जो होता है वो द्रव्य होता है। कर्तृत्व कर्मत्व करणत्व संख्या और कारक का जो आश्रय होता है वो द्रव्य होता है, संख्या और कारक का आश्रय द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ देखें तो क्रिया के कारण ही जो कारकत्व है वो अभिव्यक्त होता है। जैसे यदि पचन क्रिया ना हो तो यह ओदनस्य का कर्मत्व अभिव्यक्त नहीं होगा, ओदन का जो कर्मत्व है इसकी अभिव्यक्ति पचन के कारण हो रही है, क्रिया के कारण, साध्य क्रिया के कारण, साध्य क्रियाओं के कारण कारकत्व की अभिव्यक्ति होती है। और किसी दूसरी क्रिया का जो कारक बनेगा वो द्रव्य के रूप में होगा, तब उसके अंदर कारक शक्ति आएगी। तो यहाँ प्रचलित क्रिया है साध्य क्रिया, इसका कारक के रूप में यहाँ पाक शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये निरूपक भेदात जो शब्द आ गया ना, इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने सारा दृष्टांत दिया है। कभी कभी दृष्टांत भी कठिन होता है, इसलिए दिया जाता है कि उसके एक पंथ दो काज हो जाएं, ये एक बड़ा सिद्धांत भी समझ में आ जाए। भाष्यकार तो बहुत ही करते रहते हैं ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ एक भावे सूत्र पर एक बड़ा सिद्धांत जो है इन्होंने
सामान्य बात को लेकर के और ढूंढते रहते हैं मौका कि कहां मैं अपनी अच्छी सी बात को मैं कहां प्रस्तुत करूं। ऐसे षष्ठी सूत्र के भाष्य की व्याख्या करते एक बड़ा सिद्धांत उन्होंने प्रातिपदिका नाम वहां पर षष्ठी के प्रसंग में एक बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। बात कुछ चल रही है पर उसको समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया है वो एक बड़ा दार्शनिक पक्ष उठा करके और उसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया। न्याय दर्शन में तो दृष्टांत ऐसा देते हैं कि जो लौकिक और अलौकिक सभी लोग जाने शास्त्रीय व्यक्ति, पर भाष्यकार जो है दृष्टांत ऐसा देते हैं कि वो पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते नहीं होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। सर्वविदित दृष्टांत नहीं होता है विद्यार्थियों के लिए, वो विदित दृष्टांत नहीं होता है, वो अध्यापक उसको व्याख्या ही करनी पड़ती है तब वो समझ में आता है। एक तो मातुलाश्रित व्यक्ति था और एक आचार्यश्रित व्यक्ति था, दो थी यद्यपि वो एक हैं। ऐसा यहाँ दो क्या ऐसा ले रहे हैं कि जो अनेक द्रव्य में आश्रित जो शक्ति है और एक शब्द आश्रित शक्ति है, ऐसे करके दो ले रहे हैं या और क्या ले रहे हैं? ये अनेका शक्ति यस्य निरूपक भेदात, ये शब्द डाला ना जी, अनेका शक्ति यस्य निरूपक भेदात, जैसे वहां पर निरूपक के भेद से तत्स तत्र यथा निरूपक भेदात भिन्नम, जैसे कि आचार्यत्व और मातुलत्व दो चीजें निरूपक भेद से अलग हैं, तो यहाँ पर भी अनेका शक्ति यस्य निरूपक भेद से जिनके साथ ये शब्द जुड़ते हैं उसके भेद से भिन्न शक्ति हो जाएगी। वो ऐसे दो कैसे देख रहे हैं? संबंधी भेद से, निरूपक भेद एक प्रकार से संबंधी भेद से अनेक शक्तियां हो जाती हैं। वहां जैसे दो संबंध था शिष्य और भागिनेय, और यहाँ तो अनेक हो जाएंगी जब सर्वे सर्वार्थवाच का जब कहने जा रहे हैं ना, तो वो जो संबंधी होंगे इन शब्दों के कौन संबंधी होंगे जिसको ये बताएंगे, तो उस निरूपक के भेद से माने इन शब्द शक्तियों का निरूपण करने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के भेद से शब्द की अनेक शक्तियां हो जाएंगी। निरूपण करने वाले जो पदार्थ, किसका निरूपण करने वाले? शब्द की शक्तियों के साथ संबद्ध जो पदार्थ हैं, शब्द की जो अलग अलग शक्तियां हैं, एक शब्द है उसकी एक शक्ति, दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति, पांचवी शक्ति, तो निरूपक भेद से उसकी शक्तियां अलग अलग हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी। संबंधी भेद से निरूपक भेद उसका जो संबंधी, यहां पर भी निरूपक भेद की व्याख्या ही की, शिष्य भागने रूप संबंधी भेद, ये निरूपक भेद का अर्थ किया है। ये रघुनाथ आचार्य ने ये किया, निरूपक भेदात माने शिष्य और भागिनी रूप संबंधी भेद से, तो वहां पर अनेक शक्ति जो निरूपक भेद तो वही आएगा फिर, जो पदार्थ रूप जो चीजें हैं उन शब्दों के द्वारा जो कही जाती हैं उन पदार्थों के पदार्थ रूप जो संबंध, माने एक तो शब्द है एक अर्थ है, तो अर्थों के भेद से अनेक शक्तियां, माने वे अर्थ जिस जिस रूप में शब्दों के साथ संबंध होते जाएंगे तो वे अनेक शक्तियां बन जाएंगी। तो अनेक शक्ते शब्दस्य शक्ति अवच्छेदेन संजनी विनियोगात, शक्ति अवच्छेद होता है शक्ति संकोच। अब वैसे तो सर्वे सर्वार्थवाच का एक मैं भी बोलता रहता हूं ना, सर्वे सर्वार्थवाच का सभी शब्द सब अर्थों के वाचक हैं, तो अनेक शक्ति होगी कि नहीं? ये जो बात कही अनेक शक्ते शब्दस्य, ये एक शब्द सामान्य शब्द लेकर के कह रहे हैं, शब्द विशेष नहीं ले रहे हैं, कोई भी शब्द, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी शब्द अनेक शक्ति वाला होता है, कोई भी शब्द अनेक शक्ते शब्दस्य शक्ति अवच्छेदेन। अब जो क्या करते हैं हम लोग, उस शब्द की शक्तियां तो अनेक होती हैं पर जब हम किसी संजी में उसको नियमित करते हैं, किसी संजी विशेष में जब हम उसका प्रयोग करते हैं, तो उन जो व्यापक शक्तियां थी ना, जो
सैकड़ों शक्तियां थी, उन शक्तियों का एक पदार्थ में शक्ति संकोच कर दिया, उसको एक के लिए नियमित कर दिया कि इसको वृद्धि कहेंगे, आ आई औ को वृद्धि कहेंगे। वृद्धि शब्द अनेक शक्ति वाला था, अब हमने आ आई औ के लिए वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना भी था, और बढ़ना पेड़ का बढ़ना, मनुष्य का बढ़ना, और ऐश्वर्य से बढ़ना, और शरीर से बढ़ना, और विद्या से बढ़ना, बल से बढ़ना, गुणों से बढ़ना। अब ये बढ़ना कई कई जगह हम जोड़ करके देख रहे थे, अब इन्होंने इसको नियमित कर दिया एक संजी में। एक संजी क्या है? आ आयो, अनेक शक्ति, शक्ति संकोच के द्वारा ऐसा होता है। शक्ति अवच्छेद का अर्थ है शक्ति संकोच, लिखा भी है देखिए नीचे, शक्ति अवच्छेद तत्संकोच, शक्ति संकोच के द्वारा विनियोगात, विनियोग माने विशेष अर्थ में नियम, विनियोग शब्द का अर्थ किया विशेष अर्थ में नियम। और उद्योत कह रहा है कि अभिमत अतिरिक्त अर्थांतर व्युदासाय से, विनियोग कैसे कहते हैं, अभिमत से अतिरिक्त जो अर्थांतर था ना उसको हटाने के लिए, व्युदास शब्द का अर्थ होता है हटाने के लिए। जो उद्योत की अंतिम बाएं पक्ष में नीचे नीचे जो है ना, अभिमत अतिरिक्त अर्थांतर व्युदासाय से, सह क्या है, विनियोग, वो जो विनियोग है वो अभिमत अतिरिक्त अर्थांतर के विदास के लिए है। परिसंख्यायाम चात्र शास्त्रे प्रायण नियम व्यवहार इति बोध्यम, परिसंख्या के लिए यहाँ प्राय करके शास्त्र में नियम व्यवहार होता है। परिसंख्या का स्वरूप क्या है, अन्य निवृत्ति फला परिसंख्या है, परिसंख्या जो है अन्य निवृत्ति फल वाली होती है। नहीं, नियम का तो थोड़ा सा शास्त्रीय रूप वहां दूसरा दर्शाया है, नियमा पाक्ष के से तत्र च अन्यत्र च प्राप्ते परिसंख्या। मैंने एक दिन कहा भी था कि ये जो जितने भी नियम सूत्र हैं व्याकरण में वो परिसंख्या के रूप में हैं। वही बात नागेश भी कह रहा है, परिसंख्या चत्र शास्त्र प्रायण नियम व्यवहार है, परिसंख्या के लिए नियम शब्द का व्यवहार होता है। यद्वा कहकर इसका एक दूसरा अर्थ दे रहे हैं, शक्ति अवच्छेद शक्ति निश्चय, और एक भर्तृहरि के कारिका को पकड़ करके अपने अर्थ की पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे भर्तृहरि ने कहा है शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा, शब्दार्थ के अनिश्चय में, अनवच्छेदे का अर्थ है अनिश्चय, शब्द अर्थ के अनिश्चय होने पर विशेष अर्थ का नियामक हो जाते हैं वो 14 हेतु जो गिनाए हैं, संयोगा विप्रयोगश्चय साहचर्यम विरोधिता अर्था प्रकरण लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम उचितम देशा काल व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, अनवच्छेदे का अर्थ है शब्दार्थ के अनिश्चय होने पर, जैसे धेनु शब्द है इसको गाय धेनु भी कहते हैं, इसको गाय को भी धेनु कहते हैं, भैंस को भी धेनु कहते हैं, ऊंटनी को भी धेनु कहते हैं, जब वो प्रसव होकर के दूध देती है उसको धेनु कहते हैं। तो अब धेनु शब्द का अर्थ हम कैसे, गाय के लिए कैसे और उसके लिए कैसे हम अर्थ नियमित करेंगे, तो संयोग और विप्रयोग विशेष स्मृति का हेतु हो जाता है। जैसे हम यूं कहा सवत्सा धेनु सकर्भा धेनु, ऐसे कोई बोलेगा, यदि सवत्सा धेनु बोला तो गाय धेनु को, वत्स गाय के बछड़े के लिए होता है, सवत्सा धेनु बोलेंगे ना तब तो गाय धेनु आएगी, सकर्भा धेनु आनी है तब ऊंटनी आएगी, कर्भ जो है ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं। और ऐसे ही अश्व के बच्चे के लिए कोई एक और शब्द प्रयोग होता है, तो उस बछड़े के संयोग से, या अवत्सा बोल दिया विप्रयोग बता दिया, तो शब्दार्थ से अनवच्छेदे, अनवच्छेद अनिश्चय होने पर विशेष स्मृति के हेतु होते हैं ये 14 हेतु, संयोग विप्रयोगश्चय साहचर्यम विरोधिता, ये 14 चीजें शब्दार्थ अनवच्छेदे, शब्दार्थ के अनिश्चय होने पर विशेष स्मृति हेतवा, विशेष अर्थ के बोधक हो जाते हैं, विशेष स्मृति हेतवा, ये विशेष स्मृति के हेतु बन जाते हैं। तो ये भी अर्थ लिया जा सकता है, नागेश ये कह रहा है शक्ति अवच्छेद जो शब्द है प्रदीप ने जो लिखा है,
शक्ति अवच्छेद मानी शक्ति का निश्चय कि शक्ति निश्चय के द्वारा अनेक शक्ति शब्द से शक्ति अवच्छेदेन शक्ति निश्चयेन विनियोगा का उस समय उपदेश अर्थ होगा। संजीनी विनियोगात उपदेशात नित्यत्वात् च सर्व संज्ञानाम, सभी संज्ञाएं नित्य हैं, ये कह रहे हैं ना, नित्यत्वात् च हेतु में है, मानी क्योंकि शब्दार्थ संबंध नित्य है इसलिए सब संज्ञाएं नित्य हैं, अतो लौकिकत्वात् शास्त्र प्राप्ति, इसलिए ये लोक व्यवहार के आधार पर शास्त्र की प्राप्ति हो जाएगी। कोई ऐसा कह रहा हो कि यहाँ कुत्व की प्राप्ति कैसे होगी, कोई ऐसे प्रश्न करे ना कि ये लौकिक और वैदिक बहिर्भूत है ये सूत्र, तो ऐज शब्द जो है आदिरंतेन संहिता से कृत्रिम रूप में निर्मित है, कृत्रिमतया नागेश ने इस अनेक शक्ति जो पंक्ति है ना इसकी भूमिका बनाई, ननु ऐज शब्द से आदिरंतेन इतनेन कृत्रिमतया लौकिक वैदिक बहिर्भूतत्वेन कथम शुभ आदि शास्त्र प्राप्ति, शुभ आदि शास्त्र की प्राप्ति कैसे होगी और फिर पद नहीं बनेगा तो कुत्व कैसे होगा। कहते हैं लोक का तुम जो लोके अर्थ बोधनाय प्रयुक्त शब्द तमतः इसी को समझा रहे हैं कैयट अनेक शक्ति है शब्द से शक्ति अवच्छेदेन, और यहाँ नित्यत्वाद जो पंक्ति में शब्द आया है नित्यत्वाद से सर्व संज्ञानाम, क्योंकि शब्दार्थ संबंध नित्य होता है इसलिए सब संज्ञाएं नित्य होती हैं, इसलिए लौकिकत्वाद शास्त्र प्राप्ति, लोके अर्थांतरे अप्रसिद्धानाम भी संज्ञानाम नित्यत्वम बोधयितुम सर्व शब्द, सर्व शब्दानाम जो मैं सर्व शब्द पढ़ा है लोक में अर्थांतर में अप्रसिद्ध जो संज्ञाएं हैं वो नित्यत्वम बोधयितुम सर्व शब्द प्रयुक्ता, लोक में अर्थांतर में अप्रसिद्ध लोके अर्थांतरे अप्रसिद्धानाम अपि, लोक में किसी अर्थ विशेष में अर्थांतर माने अर्थ विशेष में, जैसे शब्दांतर दूसरा शब्द अर्थांतर दूसरा अर्थ, देशांतर दूसरा देश, स्थानांतर दूसरा स्थान, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, लोके अर्थांतरे अप्रसिद्धानाम अपि, दूसरे अर्थ में जो अप्रसिद्ध हैं संज्ञाएं उनका नित्यत्व बोधित करने के लिए अर्थांतर में अप्रसिद्ध जो संज्ञाएं हैं उनको भी नित्य बताने के लिए यहाँ सर्व शब्दानाम कैयट ने डाला है, नित्यत्वाच्च सर्व संज्ञानाम ननु एवं वृद्धिराधे इत्यादि नाम वही अर्थम। कहते हैं ऐसे तो यदि हम करेंगे तो वृद्धिराधे क्यों बनाया, सारे ये शब्द जो हैं वो उसमें प्रयोग होते हैं, सभी सर्व संज्ञानाम लौकिकत्वात् सर्व संज्ञानाम ननु एवं वृद्धिरादेच इत्यादि नाम वह्यर्थम, क्यों वह्यर्थ होगा, वृद्धिरादेच इत्यादि जो सूत्र हैं व्यर्थ हो जाएंगे, क्यों व्यर्थ हो जाएंगे, इसकी भूमिका शक्ति अवच्छेदेन मानी अनेक शक्ति वाला शब्द है और इसका एक विशेष अर्थ में नियमित कर दिया, वो तो अनेक शक्ति वाला शब्द है तो एक अर्थ में तो हम बोल ही नहीं सकते उसको, तो कह रहे हैं कि शक्ति संकोच करते हैं व्यवहार करते समय, वो जो अनेक शक्ति वाला शब्द था उसका व्यवहार काल में शक्ति संकोच करते हैं, व्यर्थ कैसे होगा, और फिर विशेष अर्थ में नियम कर दिया, अभिमत अतिरिक्त अर्थांतर व्युदास के लिए ऐसा कर दिया, यद्वा कहकर के दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अथवा जो प्रदीप ने शक्ति अवच्छेदेन कहा शक्ति निश्चय अनेक शक्ति शब्द से शक्ति निश्चय, उसका शक्ति निश्चय के आधार पर संजी में उपयोग करके संजीनी विनियोगात संजी में उपयोग करके नित्यत्वाच्च सर्व संज्ञानाम शक्ति निश्चय फलो फल को उपदेशात इत्यर्थ, शक्ति निश्चय फल वाला उपदेश होने से, शक्ति निश्चय फल वाला उपदेश होने से यहां पर प्रयोग कर दिया है, एवं च तत्संकेत करण रूप
प्रकरणात अर्थांतर अप्रतीति। कहते हैं जब अनेक शक्ति वाला है तो अनेक अर्थों का बोधन होने लगेगा, एक शब्द हमने बोला और वो तो अपने अनेक अर्थों को बताने लगेगा। तो हम वृद्धि राधेज कहकर के हम ऐसे बता नहीं सकेंगे, आ आयु को वृद्धि कहते हैं, वो तो सारे अर्थों में दौड़ लगाने लगेगा। तब कहते हैं नहीं, शक्ति निश्चय फलक उपदेश है, ये शक्ति निश्चय से साथ कथन है। तो इसलिए वो जो संकेत करते हैं प्रकरण से अर्थांतर अप्राप्ति, प्रकरण के द्वारा दूसरे अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। अब हमने आ आयु को वृद्धि कहा तो आ आयु को ही वृद्धि कहेंगे और किसी चीज को वृद्धि नहीं कहेंगे। प्रकरणाद अर्थांतर प्राप्ति इदम एव युक्तम, और कहते हैं ये सही भी है। सर्वार्थवाचकत्वेपि, शब्द सर्वार्थवाचक है, सर्वे सर्वार्थवाचक का ये होने पर भी संकेत रूपत्वेन अज्ञात शक्ति बोधकतया विधित्व संभवेन येषां नियमार्थत्व संभवात्। नागेश का जो सुझाव है वो दूसरे अभेदात भेदे द्वितीया, मैंने जो इसमें दो तरह का समास किया ना, अनेकस्मिन शक्तिरिय, अनेकस्मिन शक्तिरियस्य आश्रय भेद से ये बैठेगा। अनेकस्मिन अनेकस्मिन शक्तिरियस्य, अनेक शक्तिरियस्य, ये जो है आश्रय भेद, ये तो आश्रय भेदात, और ये निरूपक भेदात। ये कहते हैं शक्ति भेद अलग अलग हो रहा है, आश्रय भेदा देव शक्ति भेदा, निरूपक भेदा शक्ति भेदा, अनेका शक्ति रियस्य, ऐसा जो कह रहे हैं ना निरूपक भेद से, अनेक शक्तियां हैं, अनेका एक वचन में है, अनेका एक वचन में होते हुए भी अनेक अर्थों को दो बताता है। अनेका शक्ति रियस्य निरूपक भेदात भेद, निरूपक भेद से भेद हो जाएगा और आश्रय भेदात भेद, दोनों जगह भेद शब्द आ रहा है। निरूपक भेदात भेद, आश्रय भेदात भेद, जो संबंधी है निरूपक भेद संबंधी के भेद से अनेक शक्तियां हो रही हैं, और पहले वाला है अनेकस्मिन, वो शब्द अनेक का आश्रय ले रहा है, अनेकस्मिन आश्रय शक्तिरियस्य, यहां अनेकस्मिन आश्रय शब्द के अर्थ में संकेतित हो रहा है, अनेकस्मिन आश्रय शक्तिरियस्य एवं अनेक शक्ति और अनेका शक्तिरियस्य, एक शब्द प्रयोग किया कई अट ने, कितना उस पर विचार करना पड़ रहा है नागेश को, सहज से तो खंडन करने की उसकी इच्छा नहीं होती है कि ये सब क्लिष्ट कल्पना या ऐसे, जैसे ना शिवराम सरस्वती ने जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी की होगी इसके ऊपर। नित्य शब्दार्थ संबंधे आगे लिखते हैं, नित्य शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध तो नित्य होता है, पुरुष व्यापारात प्राक, हम लोग पुरुष हैं, पुरुष व्यापारात प्राक, हम लोग जो अपना उच्चारण का जो व्यापार करते हैं या प्रयोग का जो व्यापार करते हैं, शब्द प्रयोग का जो व्यापार करते हैं, पुरुष व्यापारात प्राक अवाचकस्य, तब तक वो वाचक थोड़ी होता है, शब्दार्थ संबंध नित्य होते हुए भी जब हम उसका प्रयोग करते हैं तब उसके अंदर वाचकता आती है। शब्द अर्थ और संबंध नित्य होते हुए भी
पुरुष के व्यापार से पहले तो उसमें वाचकता थोड़ी आती है कि इस शब्द से ये अर्थ जानना चाहिए, अस्मा शब्दादयम अर्थो बोधव्या, ये वाचकता नहीं आती है। पुरुष व्यापारात प्राग वाचक से न पुरुष व्यापारेण वाचकता सक्या कर्तुम। अच्छा, कह रहे हैं शब्दार्थ संबंध नित्य होता है, पुरुष व्यापारात प्राग वाचक से न पुरुष व्यापारेण वाचकता सक्या कर्तुम, न वहां जोड़ रहे हैं पुरुष व्यापारात प्राग वाचक से पुरुष व्यापारेण वाचकता न कर्तुम सक्या, ऐसे न पुरुष व्यापारेण वाचकता सक्या कर्तुम। पुरुष व्यापार के द्वारा उसकी वाचकता, शब्दार्थ संबंध तो नित्य है, प्राग वाचक से न पुरुष व्यापारेण वाचक, क्या कहना चाह रहे हैं, शब्दार्थ संबंध तो नित्य है और नित्य होते हुए वो अर्थ का वाचक नहीं है, और केवल पुरुष व्यापार मात्र से उसके अंदर वाचकता नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं, पुरुष व्यापार करने मात्र से उसके अंदर वाचकता वो तो है ही, पहले से ही है। पुरुष व्यापारेण न वाचकता से क्या कर तुम सर्वे सर्वार्थ वाचका इति अभ्युपगमाद अनेक शक्तित्व अवसाया। सर्वे सर्वार्थ वाचका ये सिद्धांत को स्वीकार करने से, इति अभ्युपगमाद इसको स्वीकार करने से अनेकार्थत्व का निश्चय होता है। सर्वे सर्वार्थ वाचका इस सिद्धांत को स्वीकार करने से अनेक शक्तित्व का निश्चय होता है। तादात्म्य उच्चय शब्दार्थ शक्ति, शब्द और अर्थ का जो तादात्म्य है, एक रूपता है, तादात्म्यम एव शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ का जो तादात्म्य है यही यही क्या है, शब्द की शक्ति है। अत्र पक्षे गौण मुख्य विभागा प्रसिद्धि या प्रसिद्धि मूला, इस पक्ष में सर्वे सर्वार्थ वाचका तो इसमें कोई शब्द मुख्य अर्थ को कह रहा है और वही शब्द गौण अर्थ को कह रहा है, इसका निश्चय कैसे करेंगे, जब सभी सब अर्थों के वाचक हैं तो शब्द कभी कभी गौण अर्थ को कहता है, कभी कभी मुख्य अर्थ को कहता है, इसका निश्चय कैसे करेंगे, तो कहते हैं प्रसिद्धि या प्रसिद्धि मूल, प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के आदि में प्रसिद्ध जो अर्थ उसका लिया जाएगा वो मुख्य होगा, अप्रसिद्ध अर्थ लिया जाएगा वो गौण होगा। अन्यायो अनेकार्थत्वम, अन्यायो अनेकार्थत्वम इति तु अश्रद्धेयम एवति निरूपितम मंजूषायाम, शब्दों का जो अनेकार्थत्व है वो अन्यायी है, ये तो श्रद्धेय वचन नहीं है, इसका हमने मंजूषा अपने ग्रंथ में नागेश भट्ट के विषय मैंने सुना कि ये मंजूषा को अपनी पुत्री मानते थे और शब्देंदु शेखर को पुत्र के रूप में देखते थे, निसंतान थे तो ये कहते थे कि शब्देंदु शेखर मेरा पुत्र है और मंजूषा पुत्री है, आखिर में सन्यासी हो गए और काशी में रहते हुए जो है फिर नियम कर लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो जयपुराधीश ने राजसु यज्ञ किया तो उनको निमंत्रित किया, प्रसिद्ध हो गए थे अपने जीवन काल में ही, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाता हूँ, तो फिर वो गए नहीं उनके उस यज्ञ में, राजसु यज्ञ में गए नहीं। तो मंजूषा की बात आई, मैंने उस पर ये बात कही, मंजूषा में इन्होंने अन्यायो अनेकार्थत्वम अश्रद्धेयम एवति निरूपितम मंजूषायाम, ये बात मैंने मंजूषा में निरूपित की है, अन्यायो अनेकार्थत्वम, अत्र लौकिक शब्दत्वम, अश्रद्धेय का मतलब है उस पर श्रद्धा करने योग्य नहीं है, वो मैंने ऐसे व्याख्या कर दिए, अन्यायो अनेकार्थत्वम, नहीं ये वचन अन्यायी है, एक सिद्धांत चलता है अन्यायस्य अनेकार्थत्वम, सर्वे सर्वार्थवाचका के विरोध में है ना वो, तो हाँ अनेकार्थता जो है अन्यायी है, शब्द की जो अनेकार्थता है वो अन्यायी है। नागेश जी तो उसी को मानते हैं, सर्वे सर्वार्थवाचका को मानते हैं, तो अन्यायी अनेकार्थत्व है, इसको अश्रद्धेय है ये वचन। तो यहां पर
प्रदीप की जो पंक्ति है इसको मैं नीचे वाली ओर इति प्रश्न कर दिया, अनेक शक्ति शब्द शक्तिवच्छेदेन संजीवनी विनियोगात् नित्यत्वात् सर्वसंज्ञानां लौकिकत्वात् आदेश शब्द से अनुकरण शब्दत्वात् जाति शब्दत्वात् वा शास्त्र प्राप्ति। या तो अनुकरण शब्द माने इसको आदेश को, या जाति शब्द मान लें शास्त्र प्राप्ति तो दिखा सकते हैं हम। अनुकरण शब्द यद्यपि आयत शब्द से आद्यंत अनुकरणत्वेन औकार संजित्व अलाभा तथापि आद्यंताभ्याम साचर्याद औकारस्यापि उपस्थिति इति भावा। अनुकरण पर टिप्पणी दी है इन्होंने, यद्यपि ऐज शब्द में अनुकरण करेंगे ना, आदि और अंत का अनुकरण करेंगे तो ओकार संजि नहीं बनेगा, आई संजी बन पाएगा अनुकरण करेंगे तो। तथापि आद्यंताभ्याम साचर्याद औकारस्यापि, साचर्य से जो बीच में ओकार है ना आई औच, साचर्य से जो ओकार है वो भी उपस्थित हो जाएगा तो। हाँ हैं, अनुकरण तो अनुकार्य का ग्रहण कराता है। अनुकरण एक तो मूल एच था उसका अनुकरण जब है ये, तो ये तो अपने उसका ग्रहण नहीं करवाएगा ना, इसलिए वो एक ही प्राप्त होगी। तो उसको बताया कि साचर्य से अहू का भी ग्रहण करा देगा, ऐ के साथ में जो अहू रहता है ना आदिर अंतिम सहित प्रत्याहार में ही। तीन नंबर टिप्पणी में ऐच शब्द से आद्यंत अनुकरणत्वेन, आद्यंत अनुकरणत्वेन उकार संजित्व अलाभा, उकार को हम संजी रूप में कैसे बनाएंगे। कहने का भाव है कि ऐच का यदि अनुकरण करेंगे तो वृद्धि संज्ञा का संजी केवल ऐ पाएगा, अउ कैसे देखोगे संजी के रूप में। ऐच इस शब्द का अनुकरण किया वृद्धि आदेश सूत्र में, एच जो एक प्रत्याहार बनता है ना उसका अनुकरण किया, अनुकरण किया तो आई की संज्ञा हो पाएगी, आ की संज्ञा हो पाएगी, औ तो छूट जाएगा। तो कहते हैं आद्यंताभ्याम अनुकरण, अनुकरण क्या कैसे बता रहे हैं जी? ये जो एच एक शब्द बनाते हैं ना प्रत्याहार आदिर अंतिम संहिता, उसको अनुकरण करके यहाँ उठा करके रख लिया वृद्धि संज्ञा बताते समय। ये आ की वृद्धि संज्ञा होती है, एच की वृद्धि संज्ञा होती है, एच का अनुकरण करके यहां उद्धृत कर दिया। तो कह रहे हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार से तो हम ग्रहण करते ही हैं मध्यस्थ हुआ, फिर अनुकरण की क्या बात रही? जो एच एक प्रत्याहार को बताता है ना उस एच का यहाँ प्रत्याहार हमने अनुकरण किया, तो अनुकरण तो उस शब्द का बोध कराएगा। अब वो शब्द आगे जा करके उस आई आई और अहू का बोध कराए तब बनेगी ना बात। ये मतलब आईच जो प्रत्याहार है उसके स्वरूप का यहाँ पर अनुकरण हो रहा है। हाँ। तो इस तरह तो फिर आईच पूरा पूरे की वृद्धि संज्ञा होनी चाहिए ना, फिर आई की क्यों कर रहे हैं, चा की भी नहीं। वो तो एक बात कही इन्होंने, क्या कहा है, अनुकरण शब्दत्वात् जाति शब्दत्वात् वा, इस पर अनुकरण पर लिखा है अपूर्वा संज्ञा क्रियंते इति पक्षेपि लौकिकत्वं साधयति। अनुकरण नागेश ने लिखा है नीचे, अयमपि लौकिकत्वे हेतु आदिरन्ते नित्यनेन संज्ञात्वेन विनियुक्तस्य ऐच शब्दस्य अनुकरणम सूत्रे। माने आदिरन्तेन सहिता जो एक संज्ञा बनाता है ना वो भी तो संज्ञा बनाता है। ऐच किसकी संज्ञा कर रहा है, अयउ की। आदिरन्तेन सहिता नागेश की नीचे पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, अपूर्वा संज्ञा क्रियंते, ये एक अपूर्वा संज्ञा क्रियंते एक महाभाष्य में उस सूत्र पर आता है, आकड़ा रदे का संज्ञा, ये जो मोटे अक्षर में लिखा ना अपूर्वा संज्ञा क्रियंते, ये आकड़ा रदे का संज्ञा सूत्र के भाष्य के अंतिम पृष्ठों में ये पंक्ति लिखी है वहां महाभाष्य में। ये बीच में जो एक दो पंक्ति है ना न्याय दर्शन की बात है, लौकिक शब्दत्व साध्यम शास्त्रीय संज्ञात्व समानाधिकरणम नित्यत्व हेतु अतो नो वैदिकेशु व्यभिचारा, इसलिए वैदिकों में व्यभिचार नहीं होता है। साध्य हेतु आदि होता है ना, जैसे नित्या शब्द ये साध्य है, शब्द में नित्यत्व साध्य है, कार्यत्वात् ये उसका हेतु है, ऐसे कुछ बता रहे हैं। अत्र लौकिक शब्दत्वम साध्यम
शास्त्रीय संज्ञात्व समानाधिकरणम नित्यत्वम हेतु, शास्त्रीय संज्ञात्व समानाधिकरण जो नित्यत्व है वो हेतु है, तो न वैदिकेशु व्यभिचार है। सर्व संज्ञानामिति वदता सूचितम इदम, अपूर्वा संज्ञा क्रियन्ते इति पक्षे भी लौकिकत्वं साधयति, इसका लौकिकत्व सिद्ध करना, पीछे ये बात कही थी ना लौकिकत्वात् आदयत् शब्दस्य, आदयत् शब्द है वो एक लौकिक शब्द है, लौकिक माने लोक में प्रयुक्त शब्द, लौकिकत्वात् आदयत् शब्दस्य, अनुकरण शब्दत्वात् जाति शब्दत्वात् वा, और इसमें एक अनुकरण शब्द होने से या जाति शब्द होने से भी शास्त्र की प्राप्ति हो सकती है। किस शास्त्र की प्राप्ति? चोकू सूत्र की प्राप्ति, चोकू सूत्र की प्राप्ति हो सकती है। अयम भी लोकत्व हेतु आदिरंते रीतिने संज्ञात्वेन विनियुक्तस्य अहित शब्द से अनुकरणम सूत्रे लक्षणया तेने उपस्थापितयो एकार ओकारयो तात्पर्यवशात् शाब्द बोध विषयता इति बोध्यम्। यहाँ लक्षणा से ननु एवं अनुकार्य उपस्थितौ भी एकारादेर बोधोने स्यात्। 11 नंबर टिप्पणी में कहा ननु एवं अनुकार्य उपस्थितौ अपि एकारादे, एकारादि का बोध नहीं हो पाएगा, उदीचामस उच्चारिता शब्दय भाष्योक्ते। एक वो नियम भी चलता है ना सवर्ण प्रत्यय सूत्र पर, उच्चारिता एवं शब्द प्रत्यय को बहुत ही न प्रतीयमान है, उच्चारित शब्द ही अर्थ का बोधक होता है न प्रतीयमान, किसी शब्द से कोई अर्थ प्रतीत हो और फिर वो अर्थ का बोधक हो जाए ऐसा नहीं, तो हम अनुकरण से अनुकार्य पर पहुंचेंगे और अनुकार्य किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है, उच्चारित शब्द ही अर्थ का बोधक होता है। अनुदित सवर्ण शिक्षा प्रत्यय सूत्र पर ये एक बड़ी व्यापक चर्चा की कि ये उच्चार्यमाण अर्थबोध को बहुत ही प्रतीयमानों भी बहुत ही, उच्चार्यमाण तो हो ही जाता है, प्रतीयमान होता नहीं है अर्थ का बोधक। जैसे रिक शब्द का बोलेंगे तो पाठ मात्र गम्यमान होगा, उसका अर्थ प्रतीत नहीं होगा, मानी रिक शब्द बोलने से अग्निमीले पुरोहितम पर तो पहुंच जाएंगे पर अग्निमीले पुरोहितम के अर्थ पर नहीं पहुंचेंगे। उच्चार्यमाण जो है वो शब्द अर्थ का बोधक होता है, प्रतीयमान नहीं, उस अर्थ में बोल रहे हैं। आदिरंते नित्यने संज्ञात्वेन विनियुक्तस्य ऐच शब्दस्य अनुकरणम सूत्रे, उसका सूत्र में अनुकरण है। लक्षणा से तेने उपस्थापितो, लक्षणा से ऐच शब्द ही अव को उपस्थापित करा देगा, और इसलिए एकार ओकार का भी तात्पर्य वसात शाब्द बोध विषयता हो जाएगी। अनुकरणे च सर्व शब्दानां साधुत्वेन शास्त्र विषयता, अनुकरण में सभी शब्दों के साधुत्व में शास्त्र विषयता होती है। यत्तु ऐच इति आद्यंत अवयव द्वारा समुदाय अनुकरणम, कोई ये कहता है कि ऐच जो है आद्यंत अवयव के द्वारा समुदाय का अनुकरण है वो तो ठीक नहीं, तथा सति आदिरंते निति सूत्र वैयर्थापत्ते, वृद्धि शब्दादि शास्त्र विषयताया एवं अपि अनुपदानाच्च ननु अनुकरणत्व अननुभवा, अनुकरणत्व का तो अनुभव ही नहीं हो रहा है हमारे को इसमें, किंच त्रयी शब्दानां प्रवृत्ति पक्षे उक्त हेतु द्वयस्यापि अभावतः, इसलिए दूसरी बात कही जाति शब्द वैयाकरण व्यवहाराच्च तत्सिद्धि, वैयाकरण लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ऐच जाति मान लेंगे, शास्त्र प्राप्ति चोकू शास्त्र की प्राप्ति, इतना प्रश्न बनाया। वैयाकरण व्यवहाराच्च तत्सिद्धि, अत्र पक्षे जाति बोधनार्थम एव संज्ञा सूत्राणि, जाति बोध के लिए ही संज्ञा सूत्र होते हैं, अत्रापि पक्षे लौकिकत्वं संज्ञा पक्षवदि एव बोध्यम्। हरदत्तस्तु वृद्धि शब्दो वृद्धेर भावेक तिनंता, वृद्ध धातु से भावमेक तिन प्रत्यय करके अभेदोपचाराश्च वृद्धि युक्ताद ऐक्षु वृत्ति, अभेदोपचार से वृद्धि युक्त जो ऐच हैं उनमें वृत्ति हो जाएगी। लक्षणया एव सिद्धे सूत्रम नियमार्थम, वृद्धि युक्त प्लुत दीर्घ इकारादि नाम बोधमाभूत इति त्रयी पक्षे सूत्रार्थमा, अदेंगुणा इत्यादो असंभवात्।
अधेन गुणा इत्यादि में तपर करण से क्या असंभवात। चार नंबर टिप्पणी में क्या दिया, दीर्घ एकारादि पदेन प्लुत से अग्रहण सिद्धे तद ग्रहण से वैयर्थाच तद ग्रहण से तपर करण से वृद्धि संज्ञायाम कथनचित तादृश प्रवचन संभव गुण संज्ञायाम तद असंभव। फिर आगे एक पंक्ति लिखी है प्रदीप ने, तत्र कु शब्द पंचु वर्णेशु आसक्त रूप, आसक्त रूप माने संबद्ध स्वरूप। नागेश ने इस शब्द का अर्थ लिखा इधर 153 पृष्ठ, आसक्त रूप संबद्ध स्वरूप एवं च कु शब्द कुशब्दवत ककारादिशु शक्त इत्यं शक्ति ग्रहात कुशब्द प्रवृत्ति निमित्तत्वम। कु शब्द के समान ककारादि में शक्त है। कुत्वम कस्मान भवति, कुत्वम का मतलब है ककारत्वम कस्मान भवति, ककारादि में ये समर्थ है। आसक्त रूप माने संबद्ध रूप, कु शब्द पांच वर्णों में संबद्ध स्वरूप है। वाचकत्वेन विनियक्ता, कु शब्द जो है पांच वर्णों के लिए वाचक बना हुआ है, तो शब्द स्वरूप है प्रवृत्ति निमित्त, शब्द स्वरूप इसका प्रवृत्ति निमित्त है। कु का मतलब क ख ग घ ङ, और कुत्वम कस्मान भवती थी ककारत्वम कस्मान भवती, ककार क्यों नहीं होता। अनुकरण से हम अनुकार्य पे जाएंगे गुरु जी, जी। और अनुकार्य जैसे आपने रिक का बताया, रिक का अनुकरण किया, अनुकरण से हम अनुकार्य रिक पर गए, वो एक अलग बात है। अनुकरण से अनुकार्य पर जाएंगे, लक्षणा से हम अनुकार्य के साथ जुड़ा हुआ जो अर्थ है वो ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर बताया अनुकरण एच का अनुकरण किया जी, और यहाँ वृद्धि राधेच में एच जो है हमको वहां एच पर पहुंचाएगा, आधिरंतीन संहिता से बनाया हुआ जो एच है जी। और लक्षणा से वो एच आई अऊ का बोध करा देगा, ऐसे बताया। अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय सूत्र पर जो चर्चा है वो एक अलग चर्चा है कि प्रतीयमान जो होता है वो अर्थबोधक नहीं होता, उच्चार्यमान अर्थबोधक होता है, उसमें उदाहरण दिए हैं। संपाठ मात्रम गम्यते, रिगिति उक्ते संपाठ मात्र गम्यते न तु तस्य अर्थः, उसका अर्थ गम्यमान नहीं होता। उच्चार्यमान अर्थ मंत्र तक तो हम पहुंच जाए, जिसको हम उच्चारण करते हैं जी वही हमारे को अर्थ बोध कराता है, प्रतीयमान अर्थ बोध नहीं कराता। उच्चारण करके जिसकी प्रतीति होती है फिर वो अर्थ बोध कराए, ऐसा नहीं होता है। ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्रम गम्यते, ऐसे भाष्यकार ने कहा, जब हम बोलते हैं ऋक तो भाई कोई एक ऋचा हमारे सामने आ जाती है, अग्निमीले पुरोहितम सत यज्ञस्य देव मृत्युजम, ऐसे कोई चित्र आ जाता है हमारे सामने। ऋग इत्युक्ते संपाठ मात्रम गम्यते, उसका एक चित्र आ जाता है, और यदि हम बोलें अग्निमीले पुरोहितम बोलें तो फिर अर्थ उच्चार्यमान हो गया ना। ये जैसे ऋक के द्वारा प्रतीयमान हो गई, ऋक तो उच्चार्यमान है, इसके द्वारा बोध किया हमने अग्निमीले पुरोहितम का, तो ये प्रतीयमान होगी। अब ये प्रतीयमान हमको अर्थ तक नहीं पहुंचाएगा, ऋक शब्द अर्थ तक नहीं पहुंचाएगा। ऋक उच्चार्यमान है तो अर्थ तक नहीं पहुंचाएगा, पर हम अग्निमीले पुरोहितम यदि बोलते हैं तो वो उच्चार्यमान है, फिर वो अर्थ तक पहुंचा ही देता है। तो यहां दिक्कत ये हो रही थी कि प्रतीयमान जो है वो अर्थ का बोधक नहीं होता, उच्चार्यमान अर्थ का बोधक होता है, पर उसको लक्षण आदि कर करा करके अर्थ ले लेते हैं। जब कोई संभव नहीं हो रहा मुख्यार्थवादे तद्युक्त यया प्रतीयते, मुख्यार्थ की बाधा होते ही उससे जुड़ा हुआ अन्य अर्थ ले लिया जाता है। मुख्यार्थ यदि असंभव बन जाए, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्त यया अन्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिर अर्पिता, तो लक्षणा के द्वारा जब मुख्यार्थ की बाधा हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी प्रदीप की ये पंक्ति, अनेक शक्ति शब्द शक्त्यवच्छेदेन संजीनी विनियोगात, संजी माने आ आई ओ में इसका विनियोग करने से नित्यत्वात् च सर्व संज्ञानां लौकिकत्वात्। इसमें दो पक्ष जो दिए ना, नियम और विधि, नागेश ने विधि के ज्यादा समर्थन किया है कि एक प्रकार से नियम नहीं कर रहे, ये विधि कर रहे हैं। विधि नियम संभव में विधि ही बलवान होती है, विधि कर रहे हैं। आ आई ओ के लिए, आ आई ओ के लिए वृद्धि शब्द का विधान कर रहे हैं, संकेत अज्ञात शक्ति बोधकतया
विधित्वम क्रियते। अज्ञात शक्ति कैसे देखेंगे गुरु जी? अज्ञात शक्ति यही हमें पता नहीं था, ये उसको वृद्धि कहते हैं। ये वो तो सभी का पता था जी, सभी का पता था वृद्धि शब्द सभी अर्थों का वाचक होता है, तो उनको किसी का भी नहीं पता था। पाणिनि किस अर्थ में प्रयोग करना चाह रहे हैं किसी का भी नहीं पता था, तो उन्होंने अज्ञात शक्ति जो जो अज्ञात शक्ति थी ना वृद्धि शब्द की, उसका बोध करा दिया कि आ आई औ, जो हमारे लिए अज्ञात थी उसका बोध करा दिया कि आ आई औ, वृद्धि मानी आ आई औ, वृद्धि का अर्थ है ये, वृद्धि मानी आ आई औ। शक्ति तो थी पर अज्ञात थी, फिर पाणिनि ने कह दिया वृद्धि मानी आ आई औ। तो कुत्वम कस्मान न भवती चोकु इति पदस्य। गुरु जी ये जो जी। शास्त्र प्राप्ति अस्ति इति प्रश्न वहीं पर ही शास्त्र प्राप्ति अस्ति इति प्रश्न जो, अच्छा हाँ शास्त्र की प्राप्ति मानी चोकु सूत्र की प्राप्ति है ही ऐसा प्रश्न है, इसको मैं ये सोच रहा था कि ये परंपरा से तो चोकु की, बाकी ये स्वाद्युत्पत्ति की ही ले रहे हैं और धीरे धीरे परंपरा से वहीं पहुंच जाएंगे जी। इसमें दिया भी है ना स्वाद्युत्पत्ति की बात भी दी है नागेश ने कि इसमें स्वाद्युत्पत्ति कैसे करोगे, शुरू में ही दे दिए ना जी, चौथी पंक्ति में कहा ना कथम सुबादि शास्त्र प्राप्ति। मानी जो वृद्धि आदेश है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कैसे करोगे, अनुकरण से करें तो कैसे हो जाएगा, फिर वो अनुकरण से आ आई औ पर नहीं जा पाएंगे, अनुकरण करके यदि हम स्वाद्युत्पत्ति करें तो अनुकरण से फिर वो औ पर नहीं जा पाएंगे, और यदि इसको सर्व संज्ञा नाम लौकिकत्वात् संजीनी विनियोगात् नित्यत्वात् च सर्व संज्ञा नाम, सभी संज्ञाएं नित्य हैं यानी शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से सब संज्ञाएं भी नित्य हैं, लौकिकत्वा तो ये एक प्रकार से लौकिक शब्द हो गया तो स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी, जैसे हम और शब्दों से स्वाद्युत्पत्ति करते हैं इससे भी कर लेंगे। लौकिकत्वा आदेश शब्द से अनुकरण शब्दत्वात् ये अलग है एक हेतु है ना, अनुकरण शब्दत्वात् जाति शब्दत्वात् वा वृद्धि शब्द शक्ति अवच्छेद से संजी में उपदिष्ट हो गया है आ आई औ में, नित्यत्वात् सर्वसंज्ञानाम लौकिकत्वात् आदैत शब्द से अनुकरण शब्दत्वात् आदैत शब्द जो है वो अनुकरण शब्द है, जाति शब्दत्वात् वा शास्त्र प्राप्ति। या फिर ये गुरुजी इस लौकिक और वैदिक शब्द का उपदेश किया जाता है तो वहाँ लौकिक शब्द इसी को लेंगे तो उसका दो हेतु बता रहे होंगे कि ये अनुकरण शब्द से लौकिक शब्द होता है, जाति शब्द हो जाने से भी ये आदेश लौकिक हो जाता है तब शास्त्र की प्रवृत्ति होगी जी, क्योंकि वैदिक तो है नहीं ये, है तो लौकिक। हाँ जी है तो ये लौकिक, तो आदेश शब्द अनुकरण शब्द से लौकिकत्व हो जाएगा हाँ, या जाति शब्द से इसका लौकिकत्व हो जाएगा। लौकिकत्व को सिद्ध करने के लिए दो बात कही है, लौकिकत्वाद आदेश शब्द से आदेश शब्द एक लौकिक शब्द हो जाएगा, अनुकरण शब्दत्वाद जाति शब्दत्वाद वह है, जाति तो है ही सारे लौकिक शब्द का जाति होता है ना, जैसे वृक्ष का वृक्ष जाति मुख्य अर्थ है नहीं, आदेश शब्द को जाति, आदेश शब्द जो है एक जाति शब्द है या अनुकरण शब्द है, और इस तरह से ये लौकिक शब्द हो जाएगा। लौकिक मानने के लिए अनुकरण की क्या आवश्यकता है जी? यदृच्छा शब्द मान लेंगे और उससे स्वाद्युत्पत्ति कर देंगे। यदृच्छा शब्द माने तो त्रयी शब्द पक्ष में तो है ना, ये दिया भी है नागेश ने, त्रयी शब्दानाम प्रवृत्ति इति पक्षे उक्त हेतु द्वयस्यापि अभाव अतः जी, यदृच्छा शब्द जब नहीं है तो उस पक्ष में दोनों ही हेतु का अभाव है, कौन से दोनों हेतु, इसलिए आखिरी में जाति शब्दत्वात कहा है, ये तीन हेतु बता रहे हैं जी नागेश ने ना 153 पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में, किंच त्रयी शब्दानां प्रवृत्ति इति पक्षे उक्त हेतु द्वयस्यापि अभावः अतः जाति,
चलो जाति शब्द तो मानोगे, आदेश शब्द को तीन हेतु बना दिए, लौकिकत्वात आदेश शब्द से, अनुकरण शब्दत्वात, ये दो जाति शब्दत्वात, ये तीसरा है। आदेश शब्द एक लौकिक शब्द, इसमें लौकिक शब्द कैसे है तो इसमें पहले वाली पंक्ति सहायक बनेगी, माने अनेक शक्ति शब्द शक्ति अवच्छेदेन संजीनी विनियोगात, संजी में विनियोग होने से, आदेश का हमने संजी में विनियोग कर दिया ना, या वृद्धि का, वृद्धि का संजी में विनियोग किया, अनेक शक्ति शब्द से शक्ति अवच्छेदेन संजीनी विनियोगात, संजी जो आ आई औ है उसमें इसका विनियोग कर दिया, इसका उपदेश कर दिया, माने वृद्धि का, तो विनियोगात नित्यत्वाच सर्वसंज्ञानाम, और ये संज्ञाएं जो है नित्य है, वृद्धि आदि जो संज्ञाएं हैं शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से नित्य हैं, ये यहां तक हो गया। लौकिकत्वात आदेश शब्द से, और ये जो आदेश शब्द एक लौकिक शब्द है, व्यवहारिक शब्द है, विद्वानों में इसका प्रयोग होता है, लौकिक शब्द है। अनुकरण शब्दत्वात, या हम इसको अनुकरण शब्द मान सकते हैं, या इन दोनों को भी नहीं मानो, त्रयी शब्द प्रवृत्ति पक्ष में तो जाति शब्द तो है ही, आदैच एक जाति, आद जाति और ऐच जाति, वैयाकरण व्यवहाराच तत्सिद्धि, वैयाकरणों के व्यवहार से इसको जाति शब्द मानेंगे। तो तीन बात होगी, लौकिकत्वात आदेश शब्द से, और अनुकरण शब्दत्वात, और जाति शब्दत्वात। गुरुजी, हाँ जी, एक तो शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से, फिर तो ये जो एच आदेश है ये फिर नित्य होगा जी, क्योंकि वृद्धि तो नित्य ही और शब्द अर्थ भी नित्य है, तो फिर एक तो ये नित्य होगा, और जाति शब्द मान करके यदि इससे स्वाध्याय उत्पत्ति करते हैं तो सभी शब्दों में जाति तो रहती है, सभी शब्दों से फिर व्याकरण का शास्त्रीय कार्य होगा, व्याकरण का कार्य होगा, सभी शब्दों में शास्त्र कार्य हो जाएंगे जी, अच्छा होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना जी, सभी शब्दों से फिर कर सकेंगे हम, हाँ तो ठीक है, हमारी इष्ट सिद्धि हो जाएगी, चाहे वो अशिष्ट है चाहे शिष्ट है, फिर सभी में होगी, जाति तो सभी में रहता ही है, पर वो तो शिष्ट अशिष्ट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, साधु शब्दों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। नित्यता में क्या, नित्यत्व सर्वसंज्ञानम जी, संज्ञा के क्योंकि शब्दार्थ संबंध नित्य होते हैं तो दिया ही नागेश ने, क्योंकि यतः है चय हेतु में है, क्योंकि शब्दार्थ संबंध नित्य है इसे सब संज्ञाएं नित्य हैं, अतः लौकिकत्व शास्त्र प्राप्ति इति अन्वय, लौकिक होने से शास्त्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्दार्थ संबंध नित्य होता है इसलिए सब संज्ञाएं नित्य हैं, और संज्ञा जो है संजी में प्रयुक्त होती है, इस वृद्धि संज्ञा आ आई औ के लिए प्रयुक्त हो रही है, तो आ आई औ जो है वो लौकिक शब्द हो गया, संज्ञा तो बिना संजी के ठहरेगी नहीं ना, संज्ञा है तो किसी न किसी के लिए प्रयोग हो रहा है, तो जिसके लिए हो रहा है उसका भी वो लौकिकत्व तो हो गया ना, दो प्रकार के शब्द है ना लौकिक वैदिक, तो वृद्धि शब्द एक संज्ञा है, और संज्ञा का कोई वाच्यार्थ होना चाहिए, संज्ञा का वाच्यार्थ यहाँ आ आई औ है तो लौकिक शब्द हो गया, तो इसलिए लौकिक शब्द स्वाद्युत्पत्ति होगी, और स्वाद्युत्पत्ति हो गई तो उससे फिर दो प्रकार के शब्दों को पहले ही प्रतिज्ञा कर दी ना इन्होंने, कि केशाम शब्दानाम अनुशासनम क्रियते लौकिकानाम वैदिकानाम च लौकिकास्तावत आदि आदि, तो यहाँ पर आदेश शब्द एक लौकिक शब्द हो गया, लौकिक शब्द होने से स्वाद्युत्पत्ति होगी, स्वाद्युत्पत्ति होने से फिर चौकू पाएगा, और दूसरी बात क्या कही, अनुकरण शब्दत्वाद, वाह अनुकरण शब्द में थोड़ी सी खिंचातानी हो रही है, अनुकरण शब्द है क्या, किमच त्रयी शब्दानां प्रवृत्ति के अगला पहले हाँ, वाला वाक्य हाँ, ननु अनुकरण तो अनानुभव, अनानुभव माने अनुभव नहीं हो रहा है, अनुकरण यहाँ पर वृद्धि हाँ, किंच और ये भी है, त्रयी शब्दानां प्रवृत्ति पक्ष में उक्त हेतु द्वयस्यापि अभाव, दोनों हेतु नहीं बनेंगे, जब त्रयी शब्दों की प्रवृत्ति है तो ये दोनों हेतु नहीं बनेंगे, तो इसलिए जाति वाला हेतु तो बन ही जाएगा,
जाति बोधनार्थमेव संज्ञा सूत्राणीति बोध्यम्। संज्ञा सूत्र जो है एक प्रकार से जाति का बोध कराने के लिए ही है। और ये अनुकरण यहाँ पर बहुत सारा लिखा है ना, अयम अपि लौकिकत्वे हेतु, ये अनुकरण जो शब्द है ना, हाँ तो तीन हेतु हो गए जी। एक तो नित्यत्वात् सर्वसंज्ञा नाम लौकिकत्वात्, आधे शब्द से अनुकरण शब्दत्वात् लौकिकत्वात्, लौकिकत्व में तीन होते हो गए, नित्यत्वात् सर्वसंज्ञा नाम एक हेतु, अनुकरण शब्दत्वात् दूसरा हेतु, जाति शब्दत्वात् तीसरा हेतु। अयम भी लौकिकत्व हेतु, अनुकरण के ऊपर लिखा है अपूर्वा संज्ञा क्रियन्ते इति पक्षे भी लौकिकत्व साधयति, ये संज्ञाएं अपूर्व की जा रही हैं। ये संज्ञाएं जो हैं एक प्रकार से शब्दार्थ संबंध नित्य वाले पक्ष को लेकर के नहीं, अपूर्वा क्रियन्ते इस पक्ष में। जब अपूर्व संज्ञाएं की जा रही हैं तो नित्य शब्दार्थ संबंध वाली बात नहीं रहेगी, यानी ये वृद्धि शब्द अपूर्व किया जा रहा है आ अयउ के लिए, तो उस पक्ष में भी नित्यत्व साधित कर रहे हैं। कैसे साधित करेंगे, अनुकरणत्वात् एवं विलोकत्व हेतु आदिरंते नित्यनेन संज्ञात्वेन। आदिरंतेन एक सूत्र है वो संज्ञा करता है ऐच की, संज्ञात्वेन विनियुक्तस्य ऐच शब्दस्य अनुकरण सूत्रे, उस सूत्र ने जो संज्ञा की उसका अनुकरण हमने यहां पर इस सूत्र में कर लिया। तो कहते लक्षणया और लक्षणा से तेने उपस्थापित एकार उकार, उसी आदिरंतेन सहिता ने उपस्थापित जो आई और औ हमारे सामने रखे उनको तात्पर्यवश यहां पर हमने ले लिया। ऐच जो अनुकरण होते हुए भी ऐच तो उस आदिरंतेन सहिता के द्वारा निर्मित ऐच पर पहुंचाएगा ये वाला ऐच, लेकिन तात्पर्य के कारण उस आदिरंतेन सहिता से मार्ग दिखाया गया जो अई अउ तक पहुंचाया गया, हमारी जो गति थी वहां ले जाकर छोड़ दिया। अनुकरणे से सर्व शब्दानाम साधुत्वेन शास्त्र विषयता, अनुकरण में तो सभी शब्द साधु हो जाते हैं, इसमें तो कुछ रहता ही नहीं है। अनुकरणे से ये लिखा ना नागेश ने, सर्व शब्दानाम साधुत्वेन शास्त्र विषयता, साधुत्व बन ही जाता है शास्त्र विषयता बन जाती है, अनुकरण में तो कोई समस्या ही नहीं रहती है। तो अनुकरण के द्वारा भी इसका लौकिकत्व हो जाएगा और जाति शब्दत्वाद् वा शास्त्र प्राप्ति। तत्र कु शब्द वर्णेषु आसक्त रूप, आसक्त रूप माने संबद्ध रूप, कु शब्द जो है कु शब्द वत ककारादिषु शक्त, कु शब्द जैसे कु को बता रहा है, कु को बताता है ना, ये कु शब्द किसको बता रहा है, शब्द स्वरूप के अर्थ में कहें तो कु को बता देगा, ऐसे ही कु शब्द ककार आदिशु, कु शब्द जो है वो कु शब्दवत ककार आदिशु शक्त, ककार आदि में भी शक्त है, ये कख ग घ में भी सक्षम है, शक्त है, शक्ति को प्रकट करने वाला शक्त। इत्यम शक्ति ग्रहात कु शब्द से प्रवृत्ति निमित्तत्वम, शक्ति ग्रह होने से संबंध से अनादि व्यवहार सिद्धता तादात्म्यम, संबंध जो है अनादि व्यवहार सिद्ध तादात्म्य ही संबंध है। उक्त हेतु द्वयस्य अपि अभाव, इसको नित्यत्व और अनुकरणत्व को कह रहे हैं जी, और जाति को ले रहे हैं जी जी। भत्वात् भैसंज्ञा उदि, कैसे भैसंज्ञा, अस्मैदिन छंदसी छंदसी द्युच्यत नैजेदन छंद छंदोवत सूत्राणी भवंती, छंदोवत सूत्र होते हैं कि ये छंद और छंद के नजदीक वेदांग होने से व्याकरण भी छंद है, व्याकरण भी छंद है। वेदांग छह होते हैं और उनमें व्याकरण सबसे प्रधान है, इसलिए व्याकरण को छंद कह दिया, समीपस्थ को वही कह देते हैं ना, जैसे प्रथमयो पुरुष वर्ण में प्रथमयो को समीपस्थ को वही कह देते हैं। इसमें गुरु जी जो अंकित जी कह रहे थे कि वो ऐशेषिक आदि का जो हेतु दे रहे थे न सुब्रमण्यम वाला, तो उसमें तो वो खुद छंद है, उसको सूत्र थोड़ी है कि उसको छंद मत मान रहे हैं, उसमें तो ब्राह्मण तो आ जाता है ना छंद में। हाँ आ जाते हैं। हाँ तो उसमें तो सूत्र तो है नहीं जिसको छंद मत मान रहे हैं, वहाँ अंकित जी कह रहे थे ना वैशेषिक आदि सूत्र भी आ जाएंगे, क्यों
कि न सुब्रह्मण्यम आदि में सूत्र में भाषा छंदसी की अनुवृत्ति आती है, तो छंदसी से छंद थोड़ा व्यापक अर्थ में है ना। हाँ, तो ब्राह्मण आदि तो आ गए छंद में, तो वहाँ सूत्र थोड़ी है कि सुब्रह्मण्यम को वो सूत्र है फिर उसको छंद मत मानकर भाषा छंद। वेद माने मूल संहिता, वेद माने ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद की व्याख्या है, आरण्यक जो वेद की व्याख्या है, उपनिषद जो वेद की व्याख्या है, और ये वेद के अंग हैं। हम ये भले मान सकते हैं अंग माने उपकारक, ऋषि की तरह के मर मान ऋषि कृत ठीक है, वो तो एक अलग बात है, इसकी व्याख्या चल रही है ना। वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते, वेद के समान ही वेद के जानने वालों के वचन भी प्रवृत्त होते हैं। वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते। तो ये सब हमारा हो गया भैसंज्ञा। तो वृद्धि राधे जदे गुणा या जय कैसे हो जाएगा, तो बोले दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं। दृष्टानुविधि छंदसी भवति, छंद में तो दृष्टानुविधि होती है, जैसा प्रयोग देखा वैसे सूत्र हम उसके पीछे चलते हैं। वैसे तो लोक में भी ये बात है पर उसमें ज्यादा है इसलिए उसका कथन किया है। दृष्टानुविधि छंदसी बोला ना, लोक में भी वैसा ही है पर लोक में क्योंकि ये जो शब्दों की मात्रा गणना ये वो पूरी सुनिश्चित नहीं है तो इसलिए उसको छोड़ दिया, नहीं तो लोक में भी तो वही है दृष्टानुविधि, लोक में भी वही है ना, शब्द को देख करके हम पीछे व्याकरण का कार्य करते हैं। और पूरा तीसरा चौथा पांचवें अध्याय में भरा पड़ा है अनविधानात अनविधानात। महाभाष्य और काशिका में आप पढ़ें तो अनविधानात भरा पड़ा है, महाभाष्य में बहुत ही ज्यादा है। तो अनविधानात का अर्थ यही होता है कि उसका प्रयोग नहीं होता है व्यवहार में, तो इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। ये तद्भावित ग्रहण की बात थी, वृद्धि इत्येवं ये आकार अवकार भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम् औषध आदेश मात्रस्य किंच आता यदि तद्भावित ग्रहणम् शालिया मालिया इति वृद्धि लक्षणश्चोन प्राप्नोति आम्रमयम् शालमयम् वृद्धि लक्षणमयेन प्राप्नोति आम्रगुप्तायनि वृद्धि लक्षण फीन प्राप्नोति उभयथा शास्त्रे दर्शनात् पक्षद्वयेपि दोष दर्शनात् प्रश्न। दोनों तरह शास्त्र में देखा जाता है और दोनों ही तरह से दोष आ रहे हैं इसलिए प्रश्न किया है। उभयथा शास्त्रे दर्शनात् तद्भावी तत्भावी दोनों देखा जाता है ना, जैसे लुक्ष्लोलुप में तद्भावित ग्रहण ही है और लोप संज्ञा में अदर्शन मात्र का ग्रहण है। लोप संज्ञा में अदर्शन मात्र का ग्रहण है और लुक्ष्लोलुप संज्ञा में तद्भावित का ग्रहण है और यहां वृद्धिरादेश में दोनों का ग्रहण है। और देखो नागेश ने लिखा है टी गुभय आदि संज्ञा सु अतद्भाविता नाम एक ग्रहण दृश्यति सोपि पक्ष संकितुम उचित इति चेत न, ये तो नहीं अतद्भावित ग्रहण पक्ष को उठाएं तो ठीक नहीं। तत्र तद्भावित असंभवात अतद्भाविता नाम एक ग्रहण टी गुभय आदि संज्ञा है ना जी, वहां तद्भावित असंभव है इसलिए अतद्भावित का ही ग्रहण करते हैं, न च तथा प्रकृति ऐसा यहां पर नहीं है। वृद्धि शब्दे तत्र आद्यंगिकारे तद्भावित ग्रहण वृद्धि शब्द एकत्व द्वितीय पक्ष वृद्धि शब्दे तंत्रादि अंगीकारे, अच्छा तंत्र शब्द है सर्वभाषादो दोषात लुगादि शब्दवत तेन एक संजी विशेषणम अपर संज्ञापर इति भाव। ये जो नागेश लिखा ना वृद्धि शब्द में तंत्रादि अंगीकारे, तंत्रादि अंगीकार होने पर तंत्रादि अर्थ का स्वीकार होने पर तद्भावित ग्रहण होगा। तंत्रादि शब्द है ये तंत्रादि अंगीकारे, तंत्रादि को स्वीकार करेंगे ना, तंत्र न्याय होता है एक शब्द से दो अर्थों का ग्रहण करना तो तद्भावित ग्रहण है। वृद्धि शब्द एकत्वे यदि वृद्धि शब्द एक ही है तो दूसरा पक्ष बनेगा, दूसरा पक्ष कौन सा अतद्भावित।
तंत्र न्याय से वृद्धि शब्द तद्भावित भी बन जाएगा। वृद्धि शब्द एकत्वे द्वितीय पक्ष माने सर्व भाषा दोषात लुगादि शब्दवत या लुगादि की तरह तेन एक संजीव विशेषण अप्रसंज्ञा परायति भव। एक संजीव विशेषण है, दूसरा संज्ञा परक है। किम पुनरिदम तद्भावित ग्रहणम वृद्धि इत्यम ये आकार उकारा भावन्ते शाम वृद्धि संज्ञा भवति। दो वृद्धि चाहिए ना जब हम तद्भावित करते हैं तो। एक तो होगा वृद्धि शब्द संज्ञा परक, वृद्धि शब्द यत्र आकारक और औकारा भाव्यंत ये संज्ञा परक होगा। वृद्धि शब्द यत्र वृद्धि विधीयते ऐसा बोलेंगे ना, तो वृद्धि जो है ये संज्ञा परक होगा और वृद्धि विधीयते ये संज्ञा परक होगा। वृद्धि शब्द से जहां वृद्धि का विधान है वहां वृद्धि संज्ञा होती है। दो बार वैसे गुरुजी वृद्धि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि एक तो वृद्धि संज्ञा हमारे पास है ही और आदेश की वृद्धि संज्ञा रखी तो उसको भी वृद्धि से उच्चारित कर देंगे, इससे हो जाएगा जी। तद्भावित बनाने के लिए जी, तद्भावित बनाने के लिए तो दो बार करते हैं ना, सब जगह ऐसे ही करते हैं। तद्भावित बनाने के लिए जैसे लुक श्लु लुप के द्वारा, लुक श्लु लुप के द्वारा जहां प्रत्यय का दर्शन होता है वहां लुक श्लु लुप संज्ञा होती है, यही तद्भावित है। नहीं तो फिर संज्ञाओं का सांकर्य होने लगता है। आगे देखिए, अथ आदेच मात्र से, यदि आदेच मात्र का ग्रहण है तो सर्वो भाषा सर्व भाषा उत्तर पद वृद्धो सर्वम से ये विधि पाएगी। मानी सामान्य रूप से यूं कहें कि आ आई यऊ की वृद्धि ये होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, और वृद्धि संज्ञा होती है तो उत्तर पद वृद्धो सर्वम से ये विधि प्राप्त होगी सर्वो भाषा सर्व, हाँ दोनों। अस्तु तरी आदेच मात्र से ग्रहणम तद्भावित हो या अतद्भावित हो, इसमें क्या दोष आएगा फिर सर्वभाषा में? सर्वभाषा में, सर्वभाषा में ये बात है कि उत्तर पद में वृद्धि हो, भास शब्द में ना वो वृद्धि शब्द के द्वारा आ नहीं आया है, पहले से ही है, अतद्भावित मान लो, अतद्भावित है तो सर्वभाषा सर्वभाषा यहाँ ये सूत्र पाएगा। और ये दूसरा एक उदाहरण, ही तावती भार्या यस्य तावत भार्या यावत भार्या वृद्धि निमित्तस्य पुनः भाव प्रतिषेधा प्राप्नोति। वृद्धि का वतु निमित्तक है आसर्व नामना, जैसे ये बनाते हैं ना, जैसे हम ये बनाते हैं तद शब्द किंग यत वतु प्रत्यय आता है ना, संख्या किम यद्य परिमाणे वतु यद्य परिमाणे वतु आ सर्वनामना, सर्वनाम को आकार आदेश हो जाता है वतु दृक् दृश वतु के परे रहते, तो ये वतु के परे रहते देखो जो आ हुआ दृक् दृश वतु के पर रहते जो आ हुआ तो इसको कह रहे हैं। फिर इससे गीप आ गया, उगितस्य गीप आ गया, ऊ इत है ना, उगितस्य गीप आ गया। तावती भार्या यस्य उतनी भार्या है जिसकी, तावत भार्या यावत भार्या वृद्धि निमित्तस्य तिपुंत भाव प्रतिषेधा प्राप्त होती। वृद्धि ये आगे समाधान करेंगे, क्या मान करके यहां पर दोष दे रहे हैं, बहुव्रीहि समास यदि करते हैं ना वृद्धेर निमित्तम वृद्धि निमित्तम, षष्ठी समास मानकर पूर्व पक्ष है, बहुव्रीहि मानकर उत्तर पक्ष है। जो गुरुजी इसमें जो दोष दिखाया था सर्वभाषा में वो उत्तर पद में कौन सा समास किए थे? उत्तर
पद में, उत्तर पद वृद्धि, उत्तर पद में जी, उत्तर पद में या फिर उत्तर पद, उत्तरम पदम, उत्तर पदम, उत्तर पद वृद्धि बोल देते ना, समास या तो बहुव्रीही करें या फिर कर्मधर क्या करें, षष्ठी समास करें या फिर बहुव्रीही, उत्तर पद की जो वृद्धि वो तो आगे दिखा रहे हैं कि उत्तर पद की वृद्धि क्या चीज है, आगे दिखा रहे हैं ना, ये नहीं दोषा करके जो दे रहे हैं, अस्तु तरी आदि मात्र स्नचोक्तम सर्वभाष सर्वभाषा उत्तर पद वृद्धो, ये विधि पाएगी, हिंदी में बोलते हैं ये विधि पाएगी, ये विधि पाएगा, संस्कृत शैली में एष विधि प्राप्नोति, ये विधि पाएगा, नैष दोषा नैवम विज्ञायते, नहीं उत्तर पद से वृद्धि, उत्तर पद वृद्धि ये अर्थ नहीं है, उत्तर पद वृद्धो कथन तरी, उत्तर पद वृद्धि का तो ये अर्थ है उत्तर पद के अधिकार में जो वृद्धि, सातवें अध्याय के तीसरे पद में जो उत्तर पद सूत्र है ना, उसके अधिकार में जो वृद्धि, उत्तर पद वृद्धि होती है, उत्तर पद के अधिकार में जो वृद्धि वो उत्तर पद वृद्धि होती है, अवश्यम चेतत एवं विज्ञेयम तद भावित ग्रहणे सति अपि यह प्रसज्जित पूर्व पदंतो दातत्वम, उत्तर पद वृद्धो सर्वम से सूत्र लगने लगेगा, कहां पर सर्व कारक, यदि उत्तर पद की वृद्धि अर्थ लोगे ना तो तद्भावित ग्रहण है, यहां सर्व कारका में देखिए, सर्व कारका में तद्भावित ग्रहण है, ये क्री को कारक बना है, तो ये जो है उत्तर पद संबंधी वृद्धि है तद्भावित ग्रहण कर लिया तो भी यहां पूर्व पद अंतोदात पाएगा, सर्व शब्द को अंतोदात जो अनिष्ट है, सर्व कारका का जो स्वर है वो अंतोदात स्वर है, कारक का जो सर्व शब्द सर्व कारक पूर्व पद अंतोदात पाएगा, ठीक हो गया, अतद्भावित, अतद्भावित ग्रहण पक्ष जिसका है वो कह रहा है कि अतद्भावित ग्रहण करेंगे हम तो भी ये दोष नहीं है सर्वभाषा में, क्यों, क्योंकि उत्तर पदस्य जो है वो उत्तर पद अधिकार वाली वृत्ति हम मानेंगे, ना कि सिर्फ उत्तर पद में कोई भी वृत्ति हो, अस्तुतरी आदेश मात्र से है ना, ये आदेश मात्र ऐसे बोलिए, अतद्भावित नहीं ऐसे बोलिए, आदेश मात्र सामान्य आदेश मात्र, हाँ सामान्य तद्भावित अतद्भावित, तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि नैवम विज्ञायते उत्तर पद से वृद्धि, उत्तर पद वृद्धि किन तरी कथन तरी, उत्तर पद से प्रकृति या वृद्धि तद्वती उत्तर पदे इत्येवम् एतद् विज्ञायते, अवश्यम च एतद् एवं विज्ञेयम् तद्भावित ग्रहणे सत्यपि हि प्रसज्जेत सर्वकारक सर्वकारक, ठीक है, इत्येवम् प्रकृत्य ऐसा अधिकार करके, प्रकृति माने अधिकृत्य, तद्वती उत्तर पदे गुरुजी, तद तद्वती उत्तर पदे कह रहे हैं ना कि उत्तर पदस्य इत्येवम् प्रकृति या वृद्धि, तद्वती माने ऐसी वृद्धि हो जो उत्तर पद के अधिकार में हुई है, तद्वती उत्तर पद अधिकार, उत्तर पद के अधिकार माने सातवें अध्याय के तीसरे पद में जो उत्तर पद सूत्र है उसके अधिकार में जो वृद्धि हुई है तद्वती उत्तर पदे, तद्वान उत्तर पद होना चाहिए, सप्तमी एक वचन है तद्वती, तद्वती उत्तर पदे इत्येवम् एतद् विज्ञायते, अवश्यम च एतद् एवं विज्ञेयम्, और ये तो हमको मानना ही चाहिए, तद्भावित ग्रहणे सत्यपि प्रसज्जेत पूर्व पद अंतोदातत्वम, तद्भावित ग्रहण में भी यहां पर अतिव्याप्ति होने लगेगी सर्वकारक सर्वकारक, अब कह रहे हैं यद्यपि उच्यते भवता, जहां भी ऐसे आएगा ना यद्यपि उच्यते आदि जहां भी आएगा तो भवता अध्यार कर लेने, यद्यपि उच्यते भवता, और जो आप ये कह रहे हैं यही तावती भार्या यस्य तावत भार्या यावत भार्या वृद्धि निमित्त से पुनः भाव प्रतिषेध प्राप्त होती नैष दोषा नैवम विज्ञायते वृद्धि निमित्तम वृद्धि निमित्तम वृद्धि निमित्त से, षष्ठी समास नहीं है, कथंतरी कैसा है वृद्धि निमित्तम यस्मिन सोयम वृद्धि निमित्त वृद्धि निमित्त से, वृद्धि का निमित्त है जिसमें, किंच वृद्धि निमित्तम योसो ककारो नकारो यकारो, देखिए यहां तो वतुप है वृद्धि का निमित्त, वृद्धि का निमित्त मीन्स यकार नकार ककार,
वृद्धि का निमित्त है, जिस प्रत्यय में वो वृद्धि निमित्त लिया गया है, वृद्धि का निमित्त, वेदिकरण बहुव्रीहि, वृद्धि का निमित्त है जिस प्रत्यय में णकार ककार गकार, किंच वृद्धि निमित्त यो असो ककारो णकारो गकारो, अथवा यह कृत्स्नाया वृद्धि निमित्तम तद वृद्धि निमित्तम, जो संपूर्ण वृद्धि का निमित्त है, कौन है वो? कश्च कृत्स्नाया वृद्धि निमित्तम, यह त्रयाणाम आकार एकार उकारण, तीनों आकार एकार उकार को संपूर्ण वृद्धि कह रहे हैं, तीनों आकार उकार का निमित्त तो यकार णकार या ककार ही होता है, ये जो वतुप है ये कृष्णा वृद्धि का निमित्त नहीं है, केवल आवृद्धि का निमित्त है, ऐ औ वृद्धि का निमित्त नहीं बन रहा है वतु, तो इसलिए यहां कोई दोष नहीं आएगा। ओ